दो न्यूक्लियस के अंदर माने जाते थे और दो किसके अंदर माने जाते थे, ऑर्बिट्स के अंदर, ताकि ये जो है वो न्यूट्रल रह सके, एटम जो हो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। आप कह सकते हैं कि दिस थ्योरी सजेस्ट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अब किसी भी थ्योरी को कोई ना कोई सपोर्ट होनी चाहिए। अगर ये थ्योरी कहती थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, तो इस थ्योरी को किसी न किसी चीज की सपोर्ट तो होगी जिसकी बुनियाद पे ये थ्योरी कहती थी। और इस थ्योरी को जो सपोर्ट मिलती थी वो बीटा एक्टिविटी से मिलती। ये थ्योरी कहती थी कि अगर हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी के अंदर बीटा नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन निकलता है, और आपको पता है कि रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी का ताल्लुक ऑर्बिट से नहीं, ऑर्बिट एटॉमिक एक्टिविटी के अंदर, जैसे स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा, एटॉमिक एक्टिविटी होती है, जबकि रेडियो एक्टिविटी जो होती है ये कौन सी होती है बेटा, रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो न्यूक्लियर एक्टिविटी होती है बेटा, ठीक है। तो इस थ्योरी को सपोर्ट आती थी, ये थ्योरी कहती थी कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं है तो रेडियो एक्टिविटी में कहाँ से निकलता है। तो आप कहोगे कि दिस थ्योरी गेट्स सपोर्ट फ्रॉम बीटा नेगेटिव इमिशन। ये थ्योरी जो होती है ये सपोर्ट कहाँ से लेती है बेटा, बीटा नेगेटिव इमिशन से सपोर्ट लेती है, कि बीटा नेगेटिव के अंदर कौन इमिट होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से इमिट होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो इमिट होता है वो न्यूक्लियस से होता है। तो ये थ्योरी कहती थी न्यूक्लियस के अंदर है तभी न्यूक्लियस से इमिट होता है, ठीक है। लेकिन हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने इसकी मुखालफत की। अब हेजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या कहा, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कार्डेड दिस थ्योरी। हेजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने इस थ्योरी को खत्म कर दिया। अब हेजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कौन सा आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल किया, हेजनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमें जाएंगे वही हो गए जाइए और अच्छी हो जाए। तो देखिए हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो बातें कहता है वो इस थ्योरी के बिल्कुल जो है वो अगेंस्ट है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको पता है कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस जो होती है, अगर न्यूक्लियस आप देखें तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10^-14 और 10^-15 मीटर। न्यूक्लियस की साइज क्या होती है बेटा, न्यूक्लियस की साइज होती है 10^-14 या 10^-15 मीटर, न्यूक्लियस की साइज होती है, ठीक है। अगर न्यूक्लियस की साइज इतनी है तो अकॉर्डिंग टू द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है उसके अंदर अनसर्टेनिटी होगी 10^-14 मीटर। क्यों होगी अनसर्टेनिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अंदर रहेगा तो ये तो आपको पता नहीं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वहां पे कहाँ पे, वो तो इलेक्ट्रॉन उस पूरे न्यूक्लियस के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। तो न्यूक्लियस के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी होनी चाहिए,
अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10^-14 मीटर, क्योंकि न्यूक्लियस की साइज अगर 10^-14 है तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर 10^-14 मीटर के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये बात है इसका मकसद है फिर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई होता है। अगर इसको इस्तेमाल करें तो डेल्टा पी जो होना चाहिए वो 10^-20 होना चाहिए, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट होती है 10^-34 के बराबर। अगर -14 है डेल्टा एक्स तो -20 क्या होना चाहिए, -20 जो होना चाहिए वो होना चाहिए अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, एच अपॉन टू बाई एच का पावर। यहाँ पे हम सिर्फ पावर की बात कर रहे हैं, आगे जो होते हैं कोएफिशिएंट्स की बात नहीं। इसको ऑर्डर कहा जाता है, ऑर्डर ऑफ द अनसर्टेनिटी, ऑर्डर ऑफ द अनसर्टेनिटी। इसके आगे न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, 2, 3, 1 कोई भी हो सकती है। हम सिर्फ किसको चेक कर रहे हैं, पावर को, कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अनसर्टेनिटी पोजीशन की कितनी होनी चाहिए, तकरीबन 10^-20 या 10^-19 होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे अच्छी वजह जगह हो जाए क्या वेर हो खाली पे। तो देखिए आप कहोगे कि अनसर्टेनिटी पोजीशन की कितनी होनी चाहिए बेटा, 10^-20 होनी चाहिए। अगर इसी चीज को हम इस्तेमाल करते हैं तो इसी से आप एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं, और जो एनर्जी के अंदर होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10^6 MeV, और आपके बुक के हिसाब से 10^3 MeV एसटीपी के अंदर ये लिखा है। हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि जब कोई भी न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसके पास कम से कम एनर्जी 10^6 या आपके बुक के हिसाब से 10^3 MeV होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है ना न्यूक्लियस से उसकी एनर्जी होती है। आप कहेंगे एनर्जी इमिटेड बाय बीटा पार्टिकल, एनर्जी इमिटेड बाय बीटा पार्टिकल इज ऑफ 2 to 3 MeV, के जो एनर्जी बीटा पार्टिकल की होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2 to 3 MeV होनी चाहिए। ठीक है, होती है, सॉरी, ये एक्सपेरिमेंट कहता है कि बीटा पार्टिकल की एनर्जी कितनी होती है, 2 से लेकर 3 MeV होती है, और ये क्या सजेस्ट करता है कि बीटा पार्टिकल की एनर्जी इतनी होनी चाहिए। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है बीटा की एनर्जी इतनी होनी चाहिए, और एक्सपेरिमेंट कहता है बीटा की एनर्जी इतनी है। इसका मकसद है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा तो जब वो बीटा के अंदर निकलेगा तो उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट कहता है इतनी एनर्जी, इसका मकसद है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो ये होती है बेटा आपके पास है, ये थ्योरी पहले वाली थी। अब हमारे पास है बेटा मॉडर्न थ्योरी, अब हमारे पास है बेटा मॉडर्न थ्योरी, और मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा। अब ये चीजें बताना मुझे तो अच्छा नहीं लगता, बाकी आपकी मर्जी है बेटा। न्यूक्लियस जो होता है वो किसका बना हुआ है, न्यूट्रॉन्स बताना पड़ेगा। का, और किसका बना हुआ है बेटा, प्रोटॉन्स का बना हुआ है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन अब हम मानते हैं कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कौन सी है, न्यूक्लियस जो होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का बना हुआ। ठीक है, और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन कहा जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कलेक्टिव तादाद को मास नंबर कहा जाता है, एटॉमिक नंबर कहा जाता है, और जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है उसको चार्ज नंबर कहा जाता है। ठीक है, जिसको
जिसको जेड से शो करते हैं, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को ए से शो करते हैं। ये चीजें आपको पता है, ये कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं, ठीक है। और इलेक्ट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियंस कहते हैं। अब आ जाते हैं जो आपका इस चैप्टर का नेक्स्ट है, उसके अंदर हम करेंगे बेटा आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की भी डेफिनेशन आपको पता है बेटा, कि आइसोटोप्स का मकसद ऐसे एटम्स बेटा जिनका मास जो है वो भले डिफरेंट हो लेकिन चार्ज सेम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आइसोटोप्स बेटा। और आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड किस पे करती है, प्रोटॉन्स की तादाद पे करती है। अगर दो न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद बराबर है तो वो आइसोटोप्स कहलाते हैं, और आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज को तय किया जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से या चार्ज नंबर। लेकिन चार्ज नंबर जो हम प्रोटॉन्स की तादाद, प्रोटॉन्स की सूरत में कहते हैं, इलेक्ट्रॉन से नहीं करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का आना जाना मसला ही नहीं, आयोनाइजेशन हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन का आना जाना लगा रहता है, उससे केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात बेटा, जो आइसोटोप्स होते हैं, जैसे आपके बुक में कहा गया है कि तकरीबन जो 1400 न्यूक्लियाई हमें मिलते हैं नेचर के अंदर, 1400 न्यूक्लियाई, उनमें से तकरीबन 1/5 स्टेबल है, बाकी सब अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल का मकसद होता है कि ऐसे न्यूक्लियाई जो एक न्यूक्लियस से चेंज होकर दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको अनस्टेबल कहा जाता है। तो 1400 न्यूक्लियाई में से सिर्फ 1/5 न्यूक्लियाई हैं जो स्टेबल है, और बाकी रेडियो एक्टिविटी के थ्रू किसी और न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी होती है, ये मोस्टली जो अलग होता है, मोस्टली जो आइसोटोप्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी का रीजन क्या है बेटा? रेडियो एक्टिविटी जो होती है, ज्यादातर आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव होते हैं, जबकि हम तो ये पढ़ते हैं कि रेडियो एक्टिविटी का जो होती है वो 81 से या उससे अबोव, लीड से अबोव है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे आइसोटोप्स जो होते हैं वो भी रेडियो एक्टिव है। जैसे आप हाइड्रोजन का ले लें, ट्राइटियम है वो आइसोटोप है जो हाइड्रोजन का, वो रेडियो एक्टिव है, जबकि ड्यूटेरियम रेडियो एक्टिव नहीं है। हाइड्रोजन के जो आइसोटोप है ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो ट्राइटियम आइसोटोप होता है। रेडियो एक्टिविटी का रीजन क्या है बेटा? रेडियो एक्टिविटी जो होती है उसका बुनियादी रीजन होता है रिपल्सिव फोर्स, कि जो न्यूक्लियस जब बनता है तो जो प्रोटॉन्स की तादाद अगर ज्यादा होती है तो रिपल्शन बढ़ती है। अब इस रिपल्शन को बैलेंस करने करने के लिए नेचर ने एक सिस्टम रखा है, न्यूट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होती है, न्यूट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस के अंदर, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू वो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ाता है। इसलिए नेचुरली जिस एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज्यादा होते हैं उसमें न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसलिए कि इसके अंदर जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती है वो ज्यादा करनी होती है, ताकि न्यूक्लियस जो बन पाए वो स्टेबल बन पाए। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि न्यूट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन से ज्यादा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक पैरामीटर है जो हमें बताता है कौन सा न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव होगा, कौन सा न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव नहीं होगा। तो रेडियो एक्टिविटी जो होती है ना, उसका पैरामीटर कौन सा होता है? उसका पैरामीटर होता है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, ठीक है। अगर किसी भी न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1.6 हो, एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है,
अब लोअर लिमिट शायद 0.6 है या उससे कम है, तो ऐसे न्यूक्लियाई जिसका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1.6 से अबव होगा, उसमें रिपल्सिव फोर्सेस स्ट्रांग होगी और अट्रैक्टिव फोर्सेस उससे वीक होंगी, और न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, और न्यूक्लियस स्टेबल होता है रेडियो एक्टिविटी से। आप कह सकते हैं रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस की वोमिटिंग होती है, कि जैसे कोई आप कोई पॉइजन वाली चीज खा लेते हो या ज्यादा खा लेते हो तो नेचुरल सिस्टम होता है वोमिटिंग होना, ठीक है। तो इसी तरह से क्या कह सकते हैं कि जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, जब न्यूक्लियस के अंदर रिपल्सिव फोर्सेस एक हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस वगैरह एक्टिव होती हैं। अब इतना डीप में मैं नहीं जा रहा क्योंकि आपके पास इतना है नहीं, जस्ट इंट्रोडक्शन दी गई है, तो आप क्योंकि एंट्री टेस्ट के अंदर अब इंट्रोडक्शन ही रखे हैं, आप जो चीज आपके बुक के अंदर है वहीं तक महदूद रहे, अंदर आप जाओगे तो ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं और बाकायदे जो है वो इनकी बहुत सारी डिटेल्स होती है, इनमें जाने की जरूरत नहीं है। तो आप कहोगे कि न्यूट्रॉन टू तो प्रोटॉन रेशियो जो होता है वो तय करता है कि कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल होगा और कौन सा न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। तो इसके अंदर दो तीन पॉइंट्स आपको याद रखनी है कि केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन न्यूट्रॉन नंबर, और रेडियो एक्टिविटी जो होती है, रेडियो एक्टिविटी जो होती है बेटा, इसका रीजन रिपल्सिव फोर्स होता है, जबकि इसका पता हमें लगता है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो से। अगर किसी भी चीज का न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1.6 होगा, ठीक है, या एन टू जेड भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जेड जो होता है वो क्या होता है बेटा, चार्ज नंबर होता है। तो ये जो होते हैं जिसका 1.6 से अबव होगा वो रेडियो एक्टिव होगा, और 80 या 81 लीड से आगे जो भी है ना वो उनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1.6 से अबव है बेटा। अब इसके बाद है स्टेबिलिटी चार्ट दिया हुआ है आपके बुक में बेटा, अब ये स्टेबिलिटी चार्ट है यहाँ पे दिया हुआ बेटा। स्टेबिलिटी चार्ट बेटा हम इसको कहते हैं। अब ये स्टेबिलिटी चार्ट बनाया जाता है बिटवीन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नंबर से, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी बनाया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक अजीब चीज है, ठीक है बेटा। अगर यहाँ पे हम प्रोटॉन्स की तादाद लिखें और यहाँ पे अगर हम न्यूट्रॉन्स की तादाद लिखें, तो यहाँ पे एक लाइन होती है जिसको कहा जाता है 45 डिग्री लाइन, इसको हम कहते हैं 540 डिग्री, 45 डिग्री लाइन बेटा, ठीक है। अगर जैसे बेटा जिस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होंगे वो कहाँ पे आ जाएगा, अगर जैसे हीलियम है दो प्रोटॉन होते हैं दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसकी पोजीशन इस लाइन के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर बराबर है, जैसे लाइटर एलिमेंट होते हैं पीरियाडिक टेबल के एलिमेंट्स को अगर यहाँ पे रखोगे तो शुरू वाले जो एलिमेंट्स है ना, शुरू वाले एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे, लेकिन जैसे एलिमेंट्स का नंबर 25 और इससे अबव होगा तो आपको पता है इसमें प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती है, सॉरी न्यूट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है। तो ये लाइन किस तरफ चली जाती है, ये लाइन ऊपर की तरफ चली जाती है। ये लाइन ऊपर जाने का मकसद है ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन, जैसे यूरेनियम देख ले, यूरेनियम के अंदर न्यूट्रॉन्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन्स, तो ये लाइन से ऊपर जाए, इसकी पोजीशन लाइन से क्या आ जाएगी, ऊपर, और बढ़ते बढ़ते एक ऐसी पॉइंट आएगी जिस 0.6 होगा तो वो क्या बन जाएगा, रेडियो एक्टिविटी वहां से शुरू हो जाएगी। और अगर किसी का न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 है, मींस प्रोटॉन्स तो वो 45 लाइन पे आएगा,
अगर पीरियाडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के हिसाब से आप अरेंज करोगे तो आप देखोगे कि शुरू वाले जो होते हैं वो एलिमेंट्स, उनकी पोजीशन 45 डिग्री लाइन पे आती है, क्योंकि उनके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे, 20 से आगे जाओगे तो ये लाइन ऊपर जाएगी। ऊपर जाने का मकसद है न्यूट्रॉन की फिर तादाद बढ़ती है और प्रोटॉन की तादाद कम, कम का मकसद है बढ़ती है, लेकिन एज कम्पेयर टू द न्यूट्रॉन उनकी तादाद कम होती है। और वो क्यों होती है? इसलिए कि जैसे जैसे प्रोटॉन की तादाद बढ़ेगी उसके अंदर रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगी। रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए जरूरी है कि न्यूट्रॉन्स की तादाद बढ़ाई जाए, क्योंकि न्यूट्रॉन की तादाद जितनी बढ़ेगी अट्रैक्टिव फोर्सेस उतनी बढ़ेंगी और स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। तो न्यूट्रॉन्स की तादाद इसलिए बढ़ती है। ठीक है, इतना दे जी। प्रोटॉन है, मेहरबानी यार, ये जो ऑनलाइन वाला सर्किल करे करे मारे ये रहे। ठीक हाय रवि। है हिकड़ी वेड़ी वेड़ी सही होती है, देखे पाना करेक्ट करे सको था एड़ा तो बड़ी तो यार तो देखे पेज नंबर है बेटा 301 पे। आउट ऑफ अबाउट 1400 न्यूक्लियाई व्हिच आर नोन टू एग्जिस्ट ओनली अबाउट व्हेन 1/5 आर फाउंड टू बी स्टेबल, लेट अस नाउ एनालाइज देम ऑन अ चार्ट अकॉर्डिंग टू देयर नंबर। ये चार्ट जो मैंने बनाया, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एज शोन इन द फिगर 19.1। If a nucleus has an equal graph, will be on 45 degree line. This is approximately the situation for the commonest isotopes of the lighter elements. As the atomic number increases, however, the number of extra neutrons gets larger and larger. It is to be noted that N must be greater than Z in order to achieve stability. एक्सेप्ट फॉर सम ऑफ द वेरी लाइट न्यूक्लियर, जैसे हाइड्रोजन होती है उसको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि न्यूट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन से ज्यादा हो, क्योंकि न्यूट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं अट्रैक्टिव फोर्स के अंदर। दस वी कंक्लूड दैट ऑल द न्यूट्रॉन्स या न्यूक्लियंस कहते हैं या न्यूट्रॉन्स कहते हैं, ऑल द न्यूक्लियस नहीं है, ऑल द न्यूट्रॉन्स कंट्रीब्यूट टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर। क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। वेयर इज द इनस्टेबिलिटी, और इनस्टेबल क्यों होता है, अनस्टेबल क्यों होता है, क्यों होती है इनस्टेबिलिटी, तो ये होता है इज ड्यू टू द रिपल्सिव कूलम फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स एज जेड इंक्रीजेस इन एक्सेस ऑफ एन ओवर जेड इज रिक्वायर्ड टू इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी। इसके बाद है हमारे पास रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर चेंजेस। बेटा जब रेडियो एक्टिविटी होती है तो बेटा न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के अंदर तब्दील होता है। जैसे स्टेबिलिटी एक चार्ट होता है जो आपको बताता है कि जैसे यूरेनियम से अगर हम शुरुआत करें, यूरेनियम अल्फा एमिट करने के बाद इसमें जाएगा, वो इसमें जाएगा, आप देखोगे कि डिफरेंट एलिमेंट्स का एक चार्ट बना हुआ है जो हमें बताता है कि ये एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होने के बाद, जैसे थेरियम होता है वो रेडियम में कन्वर्ट हो जाता है अल्फा के बाद, क्योंकि अल्फा पार्टिकल एमिट होने से प्रोटॉन निकल जाते हैं, प्रोटॉन निकलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी और एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मकसद है कि रेडियो एक्टिविटी की वजह से न्यूक्लिया एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट किया था वो बकेरल ने किया था, और बकेरल ने दो तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट कही थी। बकेरल ने कहा था कि
यूरेनियम में से मैंने एक बात नोट की है कि यूरेनियम में एक किस्म की रेडिएशन निकलती है जो फोटोग्राफिक प्लेट्स को भी ब्ले करने की सलाहियत रखती है, मीन्स हाईली पेनिट्रेटिंग है। और बकेरेल ने कहा ये यूरेनियम के अंदर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मकसद है यूरेनियम को अगर आप ग्राइंड करोगे, यूरेनियम को आप डिजोल्व करोगे, यूरेनियम का प्रेशर टेम्परेचर कुछ भी कर लो, लेकिन ये यूरेनियम से रेडिएशन एमिट होती रहती है, आप उसको कंट्रोल नहीं करते कर सकते। ये स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मकसद है खुद ब खुद होने वाली विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर। और जो सबसे बड़ी बात बकेरल ने कही वो ये कही कि जो यूरेनियम से रेडिएशन एमिट होती है ना, उसकी अमाउंट डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ यूरेनियम। अगर आपके पास यूरेनियम ज्यादा है तो ज्यादा रेज निकलेंगे, अगर आपके पास यूरेनियम कम है तो कम रेज निकलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट दो तीन चीजें थी कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो इंट्रेंसिक और स्पॉन्टेनियस है, और रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है, उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अगर 1 ग्राम यूरेनियम में से 10 रेज निकलते हैं, ठीक है, तो 2 ग्राम में से कितने निकलेंगे? 20। 3 ग्राम में से 30 निकलेंगे। और इसके बाद में मेरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने दो और जो है वो एलिमेंट्स डिटेक्ट किए, पोलोनियम और रेडियम नेम लिखे हुए, उनके बारे में भी ये पता लगा कि वो भी रेडियो एक्टिव है। और इस तरह से रेडियो एक्टिविटी की डिटेक्शन, रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर एक्टिविटी है। रेडियो एक्टिविटी का कोई ताल्लुक ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से नहीं, कोई ताल्लुक एटम से नहीं, उसका ताल्लुक न्यूक्लियस से। रेडियो एक्टिविटी में भी डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम्स। इट इज अ सेल्फ डिसरप्टिंग एक्टिविटी एग्जिबिटेड बाय सम नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स। The first discovery of a radioactive element was made by Becquerel in 1896 when he found that uranium emits radiation which are penetrating to such an extent that uranium salts causes blackening of photographic plates. This effect appeared intrinsic to the uranium because grinding, dissolving, and heating the salts did not change the radiation effect. The radiation could penetrate not only paper but also glass and even thin sheets of aluminium. Becquerel found that more, both important point. Becquerel found that the more uranium the sample contains, the more intense the emitted radiation. कि जितने यूरेनियम के एटम्स न्यूक्लियाई आपके पास ज्यादा होंगे उतनी रेडिएशन ज्यादा निकलेगी। 2 years later, Marie and Pierre Curie succeeded in chemically isolating two new elements, polonium, ठीक है, and radium, which were found to be radioactive. It has been demonstrated that all the elements with Z greater than 83 are radioactive. अब इसके बाद रेडियो एक्टिविटी के अंदर तीन किस्मों के रेज निकलते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, और अल्फा के पास इतनी चार्ज है, इतना मास है। ये किसने फाइंड किया था? रदरफोर्ड और उसके साथियों ने, ठीक है। आप कहेंगे रदरफोर्ड एंड हिज कोवर्कर्स वर एबल टू प्रूव विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट द रेडिएशन एमिटेड बाय द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स। इसके बाद एक्सपेरिमेंट है बेटा जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल की गई। आखिरी पॉइंट्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 304 पे। फर्दर एक्सपेरिमेंट कंफर्म दैट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम एटम्स कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स, while the negatively charged particles are electrons and are called beta particles. The rays which go undeflected indicate no charge and are therefore energetic photons or the gamma rays. Alpha particle is just a helium atom with both of its electrons removed. It has atomic weight or mass number 4 and the charge number 2. The beta particles have been identified as electrons with more energy as kind of ये डेटा याद रखिए बेटा, ये कांस्टेंट जो है वो फिक्स डेटा है, ये याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा, आज का ये अपना आखिरी टॉपिक है, बाकी कल करेंगे, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कि जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डिसइंटीग्रेशन होती है
तो उसमें कौन सी तब्दीलियां आती है? अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है तो कौन सी तब्दीली आती है, बीटा निकलता है तो कौन सी आती है, गामा निकलता है तो कौन सी आती है, ठीक है? अब इसके अंदर जो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि न्यूक्लियर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। जैसे हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो है उससे हीलियम का वॉल्यूम 4 गुना बड़ा है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है और हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन, 4 गुना बड़ा है। मींस न्यूक्लियर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए। और इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा ये निकलता है कि हर न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है। जैसे अगर हाइड्रोजन का मास 1 और आप वॉल्यूम 1 मान लें तो डेंसिटी होगी 1/1, मास पर यूनिट वॉल्यूम 1। अगर हीलियम का मास 4 है तो उसका वॉल्यूम भी 4 होगा, डेंसिटी क्या होगी? 1 होगी, ठीक है? तो न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है वो सब न्यूक्लियाई की सेम होती है, कोई बड़ा है कोई छोटा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अ न्यूक्लियर स्पेसीज करेस्पॉन्डिंग टू गिवन वैल्यूज ऑफ एंड जेड इज कॉल्ड अ न्यूक्लियाइड एंड इज डिनोटेड बाय एक्स ए जेड। ये सिंबल सही है आपको पता है बेटा। द न्यूक्लियर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए। न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए, व्हिच लीड्स टू द इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज एसेंशियली कांस्टेंट फॉर ऑल द न्यूक्लियाइड्स। द मेन कॉज ऑफ रेडियोएक्टिविटी इज द इनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाइड्स ऑफ हेवी एलिमेंट्स। द अनस्टेबल न्यूक्लियाइड इन नेचर डिके बाय द फिनोमेना ऑफ रेडियोएक्टिविटी टेकिंग प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ अल्फा और बीटा एमिशन विच मे बी अकम्पनीड बाय गामा रे। अल्फा और बीटा पार्टिकल्स हैं, गामा रे है। अल्फा और बीटा के इमिट होने के बाद गामा निकलता है, ठीक है? अल्फा के इमिट होने के बाद एक गामा निकल सकता है या दो निकल सकते हैं, बीटा के बाद एक गामा निकल, क्यों निकलता है आगे रीजन देखते हैं। अब पहला दिया गया है कि अगर किसी भी न्यूक्लियस से अल्फा निकले, अगर अल्फा निकलेगा तो देखें पेज नंबर 305 पे इक्वेशन लिखी हुई है, एक्स ए जेड है। अल्फा निकलने के बाद ए माइनस 4 होगा, जेड माइनस 2 होगा, क्योंकि अल्फा के अंदर 4 पार्टिकल होते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, मास 4 गुना कम हो जाएगा और चार्ज 2 गुना कम हो जाएगा और एक डॉटर न्यूक्लियस बन जाएगा। जैसे रेडियम होता, रेडियम बनता है, थेरियम से रेडियम बनता है। अब जरूरी नहीं है कि थेरियम के अल्फा इमिट करने के बाद जो रेडियम बना वो स्टेबल हो, रेडियम भी अल्फा इमिटर हो सकता है, रेडियम फर्दर सब इस तरह से अल्फा बीटा इमिट करते जाएंगे जब तक वो लीड के अंदर कन्वर्टर नहीं होते। अब इसके बाद जो है वो दूसरा प्रोसेस दिया गया, द प्रोसेस ऑफ बीटा। देखिए बीटा इमिशन क्या होती है? देखिए बेटा बीटा इमिशन 2 किस्मों की होती है। देखिए बेटा बीटा इमिशन के अंदर होता है एक बीटा पॉजिटिव। बीटा पॉजिटिव तब होता है बेटा जब प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन के अंदर। तो जाहिर सी बात है ये होता है बेटा, ये जो बीटा इमिशन होती है ये होती है न्यूक्लियन ट्रांजिशन होती है इसके अंदर। न्यूक्लियन ट्रांजिशन का मकसद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के अंदर तब्दील होते हैं। अगर प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन के अंदर तो जाहिर है ये अपनी चार्ज छोड़ेगा और चार्ज छोड़ेगा इन द पॉजिट्रॉन की सूरत में, क्योंकि चार्ज बगैर मास के नहीं जा सकती। तो ये पार्टिकल इमिट करता है पॉजिट्रॉन और इसके साथ एक न्यूट्रिनो भी इमिट होता है। अल्फा पार्टिकल के साथ कोई और पार्टिकल इमिट नहीं होता, बीटा के साथ एक और पार्टिकल इमिट होता है जिसको न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। तो जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन के अंदर, क्यों होता है इसके रीजन आपके पास नहीं है, इसको डिस्कस नहीं कर रहे, आपके पास नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत है इतना डीप। जस्ट सिंपल आपके पास इंट्रोडक्शन दी गई है तो आप जस्ट वहीं तक रहें कि प्रोटॉन जब कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन के अंदर, बहुत सारी इसके अंदर और भी चीजें,
के लेप्टॉन्स कैसे हेड्रॉन्स के अंदर जाते हैं, बहुत ही इंटरमीडिएट प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उनको हम छोड़े, आपके काम की नहीं है। क्लास के अंदर हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हुई है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप बुक तक रहे। तो ये होगा बेटा, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो मास पे तो कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो प्रोटॉन्स की तादाद कम हो जाएगी, न्यूट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाएगी, मास नंबर सेम रहेगा लेकिन चार्ज नंबर एक क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर दूसरा जो होता है बीटा निगेटिव, बेटा दूसरा होता है बीटा निगेटिव, इसके अंदर बेटा न्यूट्रॉन जो होता है ना वो कन्वर्ट होता है प्रोटॉन के अंदर। इसमें एक बेटा प्रोटॉन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन बनता है, जिसको हम कहते हैं बीटा निगेटिव। न्यूट्रॉन जब कन्वर्ट, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, एक उसमें से प्रोटॉन बनेगा और एक क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन, और वही इलेक्ट्रॉन बीटा एक्टिविटी में बाहर निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता नहीं, बनता है। तो बीटा पॉजिटिव और बीटा निगेटिव जो निकलते हैं ना वो न्यूक्लियॉन ट्रांजिशन होती है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होता है या प्रोटॉन किसके अंदर कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन के अंदर। मास पे कोई फर्क नहीं होता, सपोज करें एक एटम है उसके अंदर 50 प्रोटॉन है 50 न्यूट्रॉन है, मास नंबर 100, अगर उसमें से बीटा पॉजिटिव निकलता है मींस उसमें से एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चला गया, न्यूट्रॉन बन गए 51 और प्रोटॉन कितने बन गए 49, तो चार्ज नंबर एक कम हो गया लेकिन मास फिर भी 100 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से आप कहते हो कि देखिए दो इक्वेशंस दी गई है, एक के अंदर जब बीटा पॉजिटिव होता है तो जेड माइनस वन, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चला जाता है, और दूसरा बीटा नेगेटिव है उसमें जेड प्लस वन, क्योंकि न्यूट्रॉन किस में चला जाता है, प्रोटॉन के अंदर। इसके बाद नीचे दिखाया हुआ है कि देखें अल्फा या बीटा के निकलने के बाद, जब अल्फा निकलता है या बीटा निकलता है, तो आपको पता है बेटा कि जैसे गन से बुलेट निकलती है तो बुलेट फॉरवर्ड मूव करती है, गन क्या होती है बैकवर्ड, यही किस्सा होता है न्यूक्लियस के साथ। न्यूक्लियस समझे गन है, जब अल्फा और बीटा बुलेट्स फायर होती है तो गन पीछे जो होती है ना उसको रिकॉइल एनर्जी होती है, और न्यूक्लियस वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। न्यूक्लियस जब अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी रिलीज करता है, तो अगर अल्फा है तो अल्फा बड़ा बड़ा पार्टिकल है, उसके नतीजे में रिकॉइल ज्यादा होता है, इसलिए अल्फा के बाद दो फोटॉन भी, दो गामा भी निकल सकते हैं और एक गामा हाई एनर्जेटिक भी निकल सकता है। ये नीचे बेटा ये जो ग्राफ दिया हुआ है ना पेज 304 पे, ये अल्फा एमिटर है, इसमें देखें एक गामा भी हो सकता है और दो गामा, इसके नीचे करेक्शन कर दें, जेड माइनस टू है और जेड माइनस फोर, जेड माइनस फोर नहीं A-4 कर दें। और अगर बीटा निकलेगा तो बीटा बेटा छोटा पार्टिकल होता है, तो रिकॉयल एनर्जी क्या होती है, कम, और नतीजे में इसमें से अगर कोई निकलेगा तो एक गामा निकलेगा बीटा के बाद। इसीलिए गामा जो होता है वो हमेशा अल्फा और बीटा के बाद निकलता है, क्यों, अल्फा और बीटा जब एमिट होते हैं तो वो जब निकलते हैं ना तो अपने पीछे अपने पेरेंट न्यूक्लियस को एक्साइटेड छोड़ के जाते हैं, और जब वो अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी रिलीज कर रहा है तो वो इन द फॉर्म ऑफ गामा रे एमिट कर रहा है, ठीक है। आगे कल करेंगे, चलो ये चैप्टर एक दो दिन के अंदर हो जाएगा। आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद जो टॉपिक है बातों वाले ही टॉपिक है, जैसे पहले करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन जो अपना पहला टॉपिक है वो है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के। ये टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके पीएमसी सिलेबस के अंदर भी इसका लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इसका पीएमबीसी सिलेबस के अंदर, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद टॉपिक जो है ये भी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम करेंगे रेडियो एक्टिव है, ठीक है, कौन है भी जो लॉ रेडियो एक्टिव डिके क्या कहता है, या लॉ रेडियो एक्टिव डिके किसको, ठीक है, हम बैठो गोली आ रही थी, ठीक है।
इसके अंदर गुड़िया ने क्या एफ एज राइज के माइंड में होने चाहिए, इसके अंदर हम एक इस्तेमाल करेंगे बेटा एन एन नॉट राम राम एन नॉट का मकसद है नंबर नंबर ऑफ अरे आज तो क्या रहा है नंबर आइटम्स एट और इनिशियल हां स्टेज। अगर आप कोई रेडिएशन सब्सटेंस ले रहे हो और आप देखना चाहते हो कि उसमें जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो रेडिएशन कौन से रूल्स को फॉलो करती है, तो उस ऑब्जर्वेशन के लिए आप जितनी एटम्स की तादाद इनिशियली लोगे उसको आप क्या कहोगे एन नॉट कहोगे। अब यहाँ पे जो एन होगा ये एन होगा नंबर नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स। अब ये नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स क्या होते हैं वो बताता हूँ, पहले ये टर्म लिख ले। और डेल्टा एन जो होगा ये हो जाएगा नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, अब लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके क्या कहता है इसको समझे। सपोज करें आपके पास, ठीक है सपोज करें आपके पास बेटा इस तरह से आपने 100 जो है आपने इस तरह से एन नॉट जो आपने रखा है वो एन नॉट है आपके पास 100 बेटा। सपोज कर लेते हैं कि एन नॉट कितना है बेटा, एन नॉट है 100। आपने थेरियम के 100 एटम्स लिए बेटा, थेरियम के एटम्स है आपके पास 100। आप देखना चाहते हो कि उसमें रेडिएशन जो निकलती है वो कौन से रूल्स को फॉलो करती है। सपोज करें इसके अंदर आफ्टर 1 सेकंड या आफ्टर 1 डे, आफ्टर 1 डे इसमें 10 अल्फा निकले हैं, तो ये जो अल्फा की तादाद निकलती है डेल्टा एन उसको कहा जाता है। सपोज करें इसमें से 10 अल्फा निकल गए तो डेल्टा एन क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, नजर अच्छे पे बोल नजर आ रहे बेटे, तो डेल्टा एन जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा 10 के। मींस अगर आपके पास थेरियम के 10 एटम्स हैं, ठीक है एक दिन के बाद उसमें से 10 अल्फा निकल गए, ठीक है अगर उसमें से 10 अल्फा निकल गए तो वो 10 जो थेरियम के एटम्स होंगे वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे रेडियम में, क्योंकि थेरियम में से अल्फा निकलने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है रेडियम। तो ये एक दिन के बाद मैंने सपोज किया एक दिन, कोई ये इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, कोई और होगी वैल्यू, तो आप कह सकते हैं कि जो डेल्टा एन होगा, ठीक है ये जो डेल्टा एन होगा ये कितने अल्फा निकल गए, कितने अल्फा निकल गए उसको हम कहते हैं डेल्टा एन। सपोज करें 10 अल्फा निकल गए एक दिन के बाद थेरियम में से, तो हम कहेंगे डेल्टा एन कितना है, डेल्टा एन 10 है। ठीक है, तो डेल्टा एन हम कहेंगे 10, बाकी कितने बचेंगे, बाकी बचेंगे 90। तो आप कहोगे कि जो बाकी बचेंगे n is equal to 90 means वो अनडिकेड है, उनको हम क्या कहेंगे बेटा अनडिकेड कहेंगे। तो ये लॉ रेडियो एक्टिव लेके जो पहली बात आपको कहता है, सपोज करें आपके पास 100 एटम्स है, एन नॉट आपके पास 100 है, ठीक है एन नॉट कितना है आपके पास बेटा 100 है, और एक दिन के बाद अगर उसमें से 10 अल्फा निकल गए तो 10 किस में कन्वर्ट हो गए, 10 कन्वर्ट हो गए रेडियम में, बाकी कितने बचे थेरियम के 90, उनको कहा जाएगा अनडिकेड, बाकी जो रिमेनिंग होते हैं उनको हम क्या कहेंगे अनडिकेड। तो तीन चीजें हैं, मीन्स आपने अपने ऑब्जर्वेशन के लिए जो लिया 100 लिया 200 लिया 500 लिया उसको क्या कहा जाएगा, उसको एन नॉट कहा जाएगा, और उसमें से
कितनी स्पेसिफिक टाइम के अंदर रेडिएशन निकल गई उसको क्या कहा जाएगा, उसको डेल्टा एन मींस नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इसको कहते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो डेल्टा एन किसको जाहिर करता है, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन, और बाकी रिमेनिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनडिकेट, बाकी जो रिमेनिंग होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, नंबर ऑफ अनडिकेट। तो लॉ क्या कहता है बेटा, लॉ कहता है कि ये जो डेल्टा एन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के, कि डेल्टा एन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के। डेल्टा एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन का मकसद क्या है, ठीक है, इसको डेल्टा एन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन नॉट, एन नॉट नहीं है, डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एन के। अब इसका क्या मतलब, देखिए इसको समझे, इसका मकसद है कि पहले आपके पास थे एन नॉट भी 100 था और एन भी 100 था, क्योंकि शुरू में आपके पास ओरिजिनल नंबर भी 100 है और थेरियम में कोई भी अल्फा नहीं निकला, अगर कोई भी अल्फा नहीं निकला तो अनडिकेट भी क्या है 100 है, ठीक। अब आफ्टर वन डे एन नॉट तो वही है जो आपने लिया, एन नॉट वही है, लेकिन एन कितना बच गया 90, ठीक है। अब अगर पहले दिन 100 में से 10 अल्फा निकले तो दूसरे दिन बाकी आपके पास बचे 90, 90 में कितने निकलेंगे, 90 में 9 निकलेंगे, क्योंकि पहले दिन आपके पास थे थेरियम के 100 एटम, हर 10 एटम में से एक अल्फा निकला, कितने निकले 10 अल्फा निकले, बाकी कितने बचे, बाकी बचे आपके पास 90। तो अगर 100 में से 10 निकलेंगे तो 90 में कितने निकलेंगे, 90 में 9 निकलेंगे ना, तो ये आपको कहता है कि नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनडिकेट के, एन नॉट के नहीं है। अगर एन नॉट के होता तो क्या होता, पहले दिन भी 10 थे, दूसरे दिन भी 10 होते, तीसरे दिन भी क्या होते 10 होते, 10 दिनों के अंदर ये कंप्लीट कन्वर्ट किसके अंदर हो जाता, कंप्लीट कन्वर्ट हो जाता रेडियम के अंदर। लेकिन ये पहले दिन ज्यादा है तो ज्यादा रेडिएशन, मींस ये आपको क्या बताता है, ये लॉ आपको बताता है कि रेडियो एक्टिविटी डिक्रीजेस विद द टाइम, रेडियो एक्टिविटी टाइम के साथ डिक्रीज होती है, स्लो होती है, स्लो प्रोसेस, स्लो बिकम्स स्लो, बिकम्स स्लो विथ टाइम। ये टाइम के साथ रेडियो एक्टिविटी स्लो हो जाती है। पहले दिन कितनी है, पहले दिन, ठीक है, पहले दिन आपके पास है, अगर आप कहेंगे कि पहले दिन जो है वो 10 रेज निकले, दूसरे दिन कितने निकले 9 निकले, ठीक है, तो ये पहली बात समझ गए कि डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एन के, मींस नंबर ऑफ अनडिकेट। दूसरे दिन 9 निकलेंगे, बाकी कितने बचेंगे 81, तीसरे दिन उससे भी कम निकलेंगे, चौथे दिन उससे भी कम निकलेंगे, मींस वक्त के साथ रेडिएशन जो होती जाएगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, वक्त के साथ रेडिएशन जो होती है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और दूसरी बात कि डेल्टा एन जो होगा, डेल्टा एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल्टा टी के। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है पहले दिन हुए 10, दूसरे दिन कितने हुए 9, टोटल कितने हुए 19 हुए, तीसरे दिन सपोज करें 7 निकलते हैं तो कितने हो जाएंगे 26 होंगे, मींस वक्त के साथ डिकेड एटम्स की नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन की टोटल तादाद क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो आप कहोगे दोनों को मिला के अगर कहोगे तो डेल्टा एन इज प्रोपोर्शनल टू द एन डेल्टा टी, या डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा डेल्टा टी, ये है लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। इसके अंदर लेमडा जो होता है इसको कहा जाता है डिके कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं डिके कांस्टेंट, या दिस
इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको कहा जाता है डिके कांस्टेंट, या इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं डिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और माइनस साइन किसको जाहिर करती है बेटा, और लेमडा, लेमडा डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स इंडिपेंडेंट है। लेमडा डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, यूरेनियम का अलग होगा, थेरियम का अलग होगा, हर एक का अलग होगा। और जिसमें रेडिएशन फास्ट निकलेगी उसका अल्फा बड़ा होगा, जिसमें रेडिएशन स्लो निकलेगी उसका अल्फा क्या होगा, कम होगा। माइनस साइन किसको इंडिकेट करती है, माइनस साइन डिक्रीजेस विथ टाइम बेटा, एन किसके साथ डिक्रीज होता है, टाइम के साथ डिक्रीज होता है। जैसे पहले दिन बेटा 100 था, उसके बाद 80 बना, उसके बाद 81 बनेगा, मींस नंबर ऑफ अनडिकेट, मींस जिसमें से अभी अल्फा नहीं निकला उनकी तादाद वक्त के साथ क्या होगी, कम होगी। ये माइनस साइन उसको जाहिर कर, ये माइनस साइन उसको जाहिर करती। स्क्रीन सही कर दी, ऑनलाइन दही फिर होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है ऑनलाइन वाले की फरमाइश है, तो असा के नजर को अचे, अगर न तो अचे तो ये हाँ नजर इंदो लग रहा हूं। सही है, अब नजर आ रहे है? तो इसको कहा जाता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, मतलब दुनिया मानन के रंगीन नती बने। बस ठीक है, हाँ ठीक है, दुनिया जैसे माना ये पॉइंट सही नहीं लगती। नंबर ऑफ रेडिएशन लॉ क्या कहता है, नंबर ऑफ रेडिएशन किस पे डिपेंड करती है, डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, डेल्टा एन जो होता है पहली पॉइंट कहती है एन के साथ है, एन नॉट के साथ नहीं। तो बुक की ये लाइन जो होती है ये फार्मूले से मैच नहीं करता। इन द अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ अ गिवन स्पीसीज द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन डेल्टा एन ऑकरिंग इन अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी विल बी गिवन, डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन डेल्टा टी, वेयर लेमडा इज कॉल्ड, लेमडा को हम क्या कहते हैं बेटा, वेयर लेमडा इज कॉल्ड द डिसइंटीग्रेशन और डिके कांस्टेंट। The negative sign in the equation is introduced to indicate the decrease in the number n with the time. From equation 19.7, it is seen that if lambda is large, ये जो equation है ना बेटा जो अभी हमने discuss की, कि अगर delta n is directly proportional, is equal to minus lambda n delta t. ये इक्वेशन कहती है कि अगर लेमडा बड़ा है, जिस एलिमेंट का लेमडा बड़ा होगा वो तेजी के साथ डिके करेगा, मींस वो तेजी से रेज इमिट करेगा और वो जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर जिसका लेमडा कम होगा, जिसका लेमडा कम होगा वो स्लोली डिके करेगा, और स्लोली अगर डिके करेगा मीन्स वो देर तक रेडिएशन इमिट करता रहेगा। मीन्स लेमडा जो होता है उसे हमें क्या पता लगता है, कोई एलिमेंट रेज जो होगा वो जल्दी इमिट करेगा या रेज जो इमिट करेगा वो स्लोली करेगा। ठीक है, तो ये होता है लेमडा का काम। इफ लेमडा इज लार्ज मोर न्यूक्लियर विल बी डिकेइंग इन द सेम टाइम इंटरवल द एलिमेंट डिकेज रेपिडली, ऑन द अदर एंड इफ लेमडा इज स्मॉल द एलिमेंट विल डिके स्लोली। द
डिके कांस्टेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस. के डिके कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? सब्सटेंस पे डिपेंड करता है. हर सब्सटेंस का अलग होता है. That decays and is absolutely independent of all external conditions such as temperature, pressure, etc. बाकी सब चीजों से, क्योंकि रेडियोएक्टिविटी खुद जो होती है वो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे, सब्सटेंस पे. जैसे बकेरल ने भी यही बात कही थी कि रेडियोएक्टिविटी इंट्रिंसिक है और कौन सा है, स्पॉन्टेनियस है. अब देखें इसके बाद जो दूसरा लॉ है हमारे पास, इसको हम कहते हैं बेटा एक्टिविटी. इसके बाद हमारे पास दूसरा लॉ है जिसको हम कहते हैं एक्टिविटी. डेल्टा टी किसके बराबर होगा? जब डेल्टा टी इनफिनाइट टाइम, रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ना वो इनफिनाइट टाइम के बाद जीरो होता है. ठीक है, तो आप कहोगे कि ये एक्टिविटी होती है, और एक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अनडिकेड. पहले 100 थे, एक्टिविटी ज्यादा थी, बाद में 90 बने, एक्टिविटी कम होके 9 हो गई, बाद में 81 होंगे, एक्टिविटी क्या होगी? कम होती है. एक्टिविटी भी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अनडिकेड पे. और लेमडा तो कांस्टेंट होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स की एक्टिविटी डिफरेंट होगी, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स का लेमडा क्या होगा? डिफरेंट होगा. ठीक है, अब इसके बाद है द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड एक्टिविटी ए एंड इज टेकन एज अ पॉजिटिव नंबर. हेंस फ्रॉम द इक्वेशन ए इज इक्वल टू लेमडा इनटू एन. ठीक है, अब इसके बाद है रिलेटिव एक्टिविटी बेटा. इसके बाद है आपके पास रिलेटिव एक्टिविटी. इसके बाद है बेटा रिलेटिव एक्टिविटी. रिलेटिव एक्टिविटी का मकसद क्या होता है बेटा? रिलेटिव एक्टिविटी का मकसद है एन अपान एन नॉट. अब एन अपान एन नॉट क्या होता है? देखें बेटा, एन का मकसद है अनडिकेड अपान ओरिजिनल नंबर, इज कॉल्ड रिलेटिव एक्टिविटी. और रिलेटिव एक्टिविटी भी टाइम के साथ क्या होती है, कम होगी या बढ़ेगी. देखे पहले दिन अनडिकेड भी 100 और ओरिजिनल नंबर भी 100, रिलेटिव एक्टिविटी क्या है? 1. दूसरे दिन अनडिकेड 90 अपन 100 क्या हो जाएगा? 0.9. तीसरे दिन हो जाएगी 81 अपन 100 क्या होगा? 0.81. इसका मकसद है रिलेटिव एक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेस विद द टाइम. और ये इस तरह से इसका फार्मूला होता है इक्वल टू माइनस ई माइनस लैम्डा इनटू टी. रिलेटिव एक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेस विद टाइम. रिलेटिव एक्टिविटी भी क्या होती है? टाइम के साथ क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है. द रेशियो एन अपन एन नॉट इज डिफाइंड एज अ रिलेटिव एक्टिविटी वेयर एन नॉट इज द नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई एट द इनिशियल स्टेज स्टार्टिंग टाइम. थस इफ वी प्लॉट, अब ये ग्राफ में हाफ लाइफ के बाद आपको बताता हूँ, ग्राफ को हाफ लाइफ पढ़ने के बाद डिस्कस करते हैं. द अबोव कर्व शोज दैट द रेडियो एक्टिविटी डिक्रीज डिके प्रोसेस एक्सपोनेंशियल इन नेचर. बेटा ये ग्राफ आपको ये इक्वेशन बताती है, एक्सपोनेंशियल नेचर है. एक्सपोनेंशियल नेचर का ग्राफ ऐसे बनता है ये. इसका मकसद है इनफिनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड टू बी जीरो. ठीक है, रेडियो एक्टिविटी को इनफिनाइट टाइम चाहिए जीरो होने के लिए, क्योंकि ये इस तरह पैराबोलिक कर्व है, और पैराबोलिक कर्व जो होगा वो जीरो पे तब जाएगा जब इन्फिनिटी आएगी. जैसे आप बॉयल्स लॉ पढ़ते हो ना, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा, लेकिन प्रेशर जब इन्फिनाइट होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? जीरो. ऐसे तो नहीं होगा कि आप कहो कि ये जो है वो थोड़ा प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसका भी जो ग्राफ होता है वो कौन सा होता है? कर्व्ड ग्राफ है. कर्व्ड ग्राफ आपको बताता है कोई भी चीज खत्म होने के लिए आपको पैरामीटर्स कौन से चाहिए, इन्फिनाइट चाहिए. इसको आगे फिर डिस्कस करते. द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव आइटम्स डिक्रीजेस रैपिडली इन द बिगनिंग. के शुरू के अंदर रेडियो एक्टिविटी फास्ट होती है,
तो बहुत तेजी के साथ जो है वो ये कम होना शुरू हो जाते हैं। एंड द देन द डिके स्लोज डाउन, और उसके बाद डिके क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, पहले तेज होता है बाद में स्लो हो जाता है एज द टाइम पासिस। अब इसके बाद ये इक्वेशन है, जो इक्वेशन मैंने लिख दी है यहां से आप लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा इंटू टी ऑफ कर्सर। अब इसके बाद है बेटा हाफ लाइफ, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ये है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ जिसको टी हाफ कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं बेटा टी हाफ। अब ये हाफ लाइफ क्या होती है बेटा, ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये हाफ लाइफ क्या होती है या हाफ लाइफ किसको कहा जाता है बेटा। हाफ लाइफ का मकसद होता है बेटा वो टाइम जिस टाइम में किसी भी सब्सटेंस के आधे एटम्स डिके हो जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, रेडियम है बेटा, रेडियम की हाफ लाइफ है 1590 साल। अगर आप रेडियम के 100 एटम्स लोगे तो 1590 साल के बाद उसके 50 एटम किसी और चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। वो टाइम जिस टाइम के अंदर किसी भी सब्सटेंस के आधे एटम्स किसी और में कन्वर्ट हो जाए उसको कहा जाएगा हाफ लाइफ। रेडियम की कितनी है, 1590। अगर आपके पास रेडियम के 100 एटम्स हैं तो 1590 साल के बाद वो 50 बचेंगे। अब आपके पास 50 हैं तो 1590 साल के बाद वो 25 होंगे। ऐसा नहीं कि आप समझो 1590 में 50 और 1590 में जीरो, नहीं, क्योंकि डेल्टा एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है। पहले 100 थे तो 1590 साल में 50 बचेंगे, अब 50 हैं तो 1590 साल में 25 बचेंगे, अब 25 है तो 1590 साल में 12.5 होंगे। इस तरह से अगर आप फ्रैक्शन बनाते जाओगे तो फ्रैक्शन जीरो कब होगी, इनफिनाइट टाइम के बाद। इसीलिए तो हम कहते हैं कि रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो एक्सपोनेंशियल इन नेचर है, इनफिनाइट टाइम चाहिए होता है उसको कंप्लीटली खत्म होने के लिए, ठीक है। तो आप कहोगे इक्वेशन एस्टेब्लिश्ड इन द आर्टिकल 6 अबव इंडिकेट्स दैट एन इनफिनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द रेडियो एक्टिविटी टू डिसअपीयर कंप्लीटली since all the substances are the same in this regard, or more qualitative and useful term half life is often used to distinguish one radioactive substance from the other. Half life time or simply the half life denoted by t half is defined as the time required for the radioactive substance to decay to one half of its initial number. Thus to determine the half life we can solve equation. अब ये किसकी equation होती है बेटा half life की? Half life होती है बेटा is equal to 0.693 upon lambda. ये constant है बेटा, तो half life क्या होगी, inversely proportional lambda. जिस element का lambda बड़ा होगा वो जल्दी decay करेगा और उसकी half life क्या होगी, कम, और जिसका lambda छोटा होगा उसकी हाफ लाइफ क्या होगी, बड़ी। जैसे आपके बुक में एग्जांपल दिया है रेडियम की हाफ लाइफ है 1590 साल, मींस उसका लेमडा छोटा है, और जो रेडॉन है उसकी है सिर्फ 3.25 डेज, तो रेडॉन का लेमडा क्या होगा, बड़ा। जिसकी हाफ लाइफ कम होगी वो जल्दी डिके होगा, उसका लेमडा बड़ा होगा, और जिसकी हाफ लाइफ कम है उसका लेमडा कम होगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, slowly decay करेगा। Equation shows that the half-life of radioactive element is inversely proportional to the decay constant lambda. Half-life of radium is 1590 years, while for radon it is only 3.825 days. This means that radium is long-lived, whereas radon is a short-lived. ठीक है, अब इसके बाद है न्यूक्लियर चेंजेस एंड कंजर्वेशन लॉज बेटा। अब ये न्यूक्लियर चेंजेस एंड कंजर्वेशन लॉज आपको क्या बताते हैं बेटा, न्यूक्लियर चेंजेस एंड कंजर्वेशन लॉज बेटा।
न्यूक्लियर चेंजेस और कंजर्वेशन लॉज आपको क्या बताते हैं बेटा? देखें, अब जब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, पहले मैं रिएक्शन लिखता हूं बेटा, अब इसको देखें कि रिएक्शन क्या कहता है बेटा। थेरियम है, इसका नंबर है बेटा 227 और इसकी चार्ज है 90 बेटा। ये एक अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, ये चला जाता है रेडियम में, इसका होता है बेटा 223 और इसका हो जाता है 88। प्लस इसमें बेटा हो जाता है जो है वो 2 और ये 4 हो जाता है। अब इसमें देखें बेटा, ये रिएक्शन हुआ जिसमें अल्फा पार्टिकल निकला, इसमें भी कुछ रूल्स फॉलो होते हैं, ऐसा नहीं कि ये बिना रूल के होता है। इसमें पहला रूल कौन सा होता है? कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियन नंबर। देखें, ये न्यूक्लियन है बेटा, इसके पास आप देख सकते हैं कि इसके पास 227 है, बाद में भी कितने बेटा 227 है। मींस रिएक्शन के अंदर कोई भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन न क्रिएट हुआ है न डिस्ट्रॉय हुआ है। चार्ज देख ले, पहले भी 90 थी और बाद में भी कितनी है 90 है। तो बेटा दोनों है कि कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियर नंबर भी होती है और कंजर्वेशन किसकी होती है? चार्ज की। अब इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब बेटा? देखें, पहले थेरियम है, सपोज करें थेरियम जो होता है ये रेस्ट में है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मोमेंटम भी जीरो है, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है और मोमेंटम भी क्या है बेटा? जीरो है। अब अगर ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बेटा? कन्वर्ट हो जाता है रेडियम के अंदर, और प्लस इसमें क्या हो जाता है? अल्फा पार्टिकल बेटा, इस तरह से। अब इसके बाद इसमें होता है अल्फा पार्टिकल, इसकी भी बेटा काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती, इसका भी मोमेंटम जीरो नहीं होता, इसका भी मोमेंटम जीरो नहीं होता। देखिए, पहले थेरियम जो होता है वो रेस्ट में, काइनेटिक एनर्जी भी रेस्ट में है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो और मोमेंटम भी जीरो। अल्फा निकलने के बाद, अल्फा तो रेस्ट में नहीं होगा ना, अल्फा की काइनेटिक एनर्जी होगी, अब एनर्जी आई कहां से? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अब अल्फा के पास अगर एनर्जी आई तो कहां से आई? अगर थेरियम के जो रेडियम का न्यूक्लियस बना वो भी रेस्ट में नहीं होगा, वो भी रिकॉइल करेगा, अगर उसके पास एनर्जी आई तो भी कहां से? तो यहां पे होता है मास डिफेक्ट, यहां पे आता है कॉन्सेप्ट आता है मास डिफेक्ट का बेटा, इसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट, जिसको हम कहते हैं डेल्टा एम। देखिए बेटा, मैंने आपको कल कहा था मास नंबर अलग चीज है, मास अलग है, तो रिएक्शन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं होती, कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन मास बराबर नहीं होता। आप देख ले आपके बुक को बेटा, बुक को खोले, मैं उसी में बताता हूँ। बुक में बेटा पेज नंबर 310 खोले। अब इसके अंदर देखें बेटा, थेरियम का मास कितना है? थेरियम का जो मास है बेटा वो है 227 है 0.027 यूनिट्स बेटा, ये वो कार्बन के हिसाब से यूनिट्स लिखा हुआ है। और रेडियम का मास कितना है बेटा? रेडियम का मास है 223.018 यूनिट्स। और अल्फा पार्टिकल का मास कितना है बेटा? 4.002 यूनिट्स। अब देखें, अगर आप इन दोनों को सम करते हो, दोनों की अगर सम कर लें तो दोनों का मास कितना आता है बेटा? अगर इसको दोनों को बेटा, अगर इसको इस तरह से कर ले बेटा 227.027, इसमें से 223.18 जो होता है ये बनता है और अल्फा पार्टिकल बनता है, बाकी कितना हो जाता है इसमें 0.007 यूनिट्स। आप देख ले बेटा, थेरियम का मास बड़ा है, उसमें से बनने वाले दोनों का मास अगर इस थेरियम से माइनस करते, मींस थेरियम का मास इतना ज्यादा है, मींस रिएक्शन में मास जो है ना वो बैलेंस नहीं है, पहले मास ज्यादा है, बाद में मास क्या है? कम है। इसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट, इसको हम कहते हैं मास। ये मास कहाँ गया? ये मास गया एनर्जी बनाने में, और ये जो एनर्जी बनती है ना यहाँ पे, इनको जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम मिलता है ना, ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है? इस मास से आती है।
तो न्यूक्लियर जब रिएक्शन होता है ना, तो बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन मास सेम नहीं होता, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जो एनर्जी बनती है कहाँ से बनती है? ये एनर्जी मास से बनती है। मास किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर ये मास डिफेक्ट होता है। मीन्स मास डिफेक्ट कितना आया बेटा? डेल्टा एम आ गया 0.007 यूनिट्स बेटा। अब मास गिवन है यूनिट्स में, तो इसके लिए एनर्जी हो जाएगी बेटा, ये डायरेक्ट फार्मूला है, मल्टीप्लाइड बाय 931 MeV। ये कन्वर्शन फैक्टर है। अगर आपको कहा जाए कि मास इतने यूनिट्स है उसमें से कितनी एनर्जी बनेगी, तो आप ये कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। आप अगर यूनिट्स में, किलोग्राम में नहीं, मास किस में दिया हुआ है? यूनिट्स में। अगर यूनिट्स में गिवन है तो आप ये करोगे, और इसमें से कितनी एनर्जी बनेगी लिखा हुआ है आपके बुक में बेटा, कैलकुलेट किया हुआ है 6.517 MeV, इतनी एनर्जी बनेगी। और ये एनर्जी किस में चली जाएगी? अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और इसकी न्यूक्लियस की रिकॉयल एनर्जी। तो एनर्जी की भी कंजर्वेशन होती है यहाँ पे, लेकिन एनर्जी यहाँ पे बनती है, और किससे बनती है? मास से बनती है। मास किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में। और इसको हम क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है, समझ गए इस बात को। तो ये होता है बेटा, कंजर्वेशन होती है किसकी? कंजर्वेशन होती है एनर्जी की, और मोमेंटम की भी कंजर्वेशन होती है, और एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन होती है। दिस एनर्जी कौन सी? ये वाली एनर्जी, दिस एनर्जी ऑफ 6.517, ये कहां से बनी? मास डिफेक्ट से बनी। शो इटसेल्फ एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिके प्रोडक्ट, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट अल्फा पार्टिकल कम आउट विथ एन एनर्जी 6.05। इस एनर्जी का 6.05 अल्फा के पास जाता है, रिमेनिंग किसके जाता है? रेडियम के पास। The experimental value of the energy of alpha particle is in close agreement or calculated energy 6.517 with a small difference of 0.11. 0.11 किसके पास आती है? इसके पास आती है। This apparent difference is taken care of in the fourth and fifth rules of conservation. Fourth और fifth कौन से? Conservation of momentum और conservation of angular momentum. In our present example, this energy of 0.11 MeV is nothing but the kinetic energy of recoil of the daughter nucleus radon. Radon नहीं है बेटा, radium कर दें इसको, correct कर दें। All the radioactive decays or nuclear reaction involves the release of some energy. देखे इस reaction के अंदर इस mass की वजह से ये energy release हुई। इस energy को हम क्या कहेंगे? Q value कहेंगे। Release of the energy which is commonly denoted by the symbol Q, and in general terminology of nuclear physics, it is referred as the Q value of the reaction. If Q is positive, energy is released and the reaction is exothermic. Whereas for negative Q value, energy is required to be supplied in order to let the reaction go, and the reaction is said to be endothermic. ठीक है? केमिस्ट्री के अंदर शायद इससे डिफरेंट है। तो ये एक कंफ्यूजन है फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। थर्मोडायनामिक्स के कुछ रूल्स हैं जिन रूल्स को तब्दील कर दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। नतीजा ये निकलता है कि वो पुराना, कोई उसको कर रहा है पॉजिटिव, कोई उसको कर रहा है पॉजिटिव, इसलिए ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ गई है बुक्स के अंदर। न्यू रूल्स मौजूद हैं जिनके मुताबिक, एक ही रूल के मुताबिक दोनों को देखना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने पास अभी तक वो फॉलो नहीं होते। तो जैसा बुक में लिखा हुआ है ना, आप वैसा ही ऑप्शन करोगे। अगर एंट्री टेस्ट के अंदर आता है तो आपने अपनी तरफ से, आप सिर्फ किस में चेंज कर सकते हैं? आप कैलकुलेशन की मिस्टेक को चेंज कर सकते हैं, थ्योरी की मिस्टेक को चेंज नहीं कीजिए, क्योंकि थ्योरी की मिस्टेक का ऑप्शन जो होगा ना, वो वैसा ही आएगा जैसा बुक में लिखा हुआ। इसलिए थ्योरी जैसी गलत है सही है, आपने वही ऑप्शन टिक कर देना जो बुक के अंदर। आपने अपनी तरफ से
अल्ट्रेशन नहीं करनी कि नहीं ये असल ये है लेकिन बुक के अंदर गलत है, फिर आप प्रूफ किसके पास करोगे कि बुक के अंदर गलत है। इसलिए जो चीज जैसे लिखी हुई है आप उसी को ऐसे एक्सेप्ट करके अपने ऑप्शन उसको टिक कर दे। इसके बाद है बेटा मास एनर्जी रिलेशन एंड मास डिफेक्ट। देखिए ये मास डिफेक्ट होता है ना, ये आइंस्टाइन के मुताबिक मास एनर्जी रिलेशन अभी आपको पता है बेटा कि फॉर मॉडरेट स्पीड्स, बेटा अगर कोई भी चीज आम स्पीड से जाती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन अगर कोई हायर स्पीड पे जाती है, हायर स्पीड पे ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि आपको पता है हायर स्पीड पे मास सेम नहीं रहता। तो हायर स्पीड पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, हाफ एम नॉट अंडर रेडिकल वन माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर होगा। तो आइंस्टाइन ने कहा हायर स्पीड पे काइनेटिक एनर्जी के अंदर एक्सपेंशन आती है, मींस काइनेटिक एनर्जी मास की वजह से भी चेंज होती है। तो वो एक्सपेंशन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर या एक्सपेंशन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। हायर स्पीड पे काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस, आम स्पीड पे आप काइनेटिक एनर्जी इतनी मेयर करते हो, हायर स्पीड में कितना डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस इससे आप मेयर करो। ठीक है, तो ये है बेटा हमारे पास मास एनर्जी रिलेशन इन द मास डिफेक्ट। अब इसके बाद आज का आखिरी टॉपिक है बेटा, फिर आगे कल करेंगे। इसके बाद है मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, देखिए बेटा अभी हमने पहले जो डिस्कस किया है कि जब न्यूक्लियस टूटता है तो न्यूक्लियस के टूटने से मास डिफेक्ट आता है और वो मास डिफेक्ट किसके अंदर चला जाता है, एनर्जी के अंदर। इसी तरह से जब न्यूक्लियस बनता है तो न्यूक्लियस जब बनता है ना तो न्यूक्लियस के अंदर होती है बाइंडिंग एनर्जी। वो बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आती है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं ना उनको काबू करके रखने के लिए एक होती है बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियस बनते हुए भी बाइंडिंग एनर्जी आती है, वो बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आती है। ठीक है, न्यूक्लियस के टूटते हुए भी मास किसमें कन्वर्ट होता है, एनर्जी में, और न्यूक्लियस बनते हुए भी मास किसमें कन्वर्ट होता है, एनर्जी के अंदर। ठीक है, और न्यूक्लियस बनते हुए जो मास डिफेक्ट आता है वो बाइंडिंग एनर्जी में जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया बेटा, पेज नंबर है 313 बेटा, पेज नंबर है 313, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। अब इसके लास्ट पैरा के अंदर एक एग्जांपल दिया गया, वी कैन इलस्ट्रेट द केस बाय द फॉलोइंग एग्जांपल फॉर ड्यूट्रॉन। बेटा न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है एक न्यूट्रॉन होता है, विच कंसिस्ट्स ऑफ वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन। अब देखिए बेटा मास ऑफ द प्रोटॉन कितना है, 1.672 × 10⁻²⁷ और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 1.6748 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। दोनों का सम कितना है, 3.3472 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। तो इसका मकसद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कलेक्टिवली मास कितना है, 3.3472 × 10⁻¹। अब ये दोनों मिलके अगर ड्यूट्रॉन बनाते हैं तो ड्यूट्रॉन का मास कितना होना चाहिए, उतना ही जितना इन दोनों का होता है। लेकिन ड्यूट्रॉन का मास कितना है, ड्यूट्रॉन का मास है 3.3433 × 10⁻²⁶ के। बनाने वालों का मास ज्यादा है, बनने वाले का मास कम है। मीन्स जब न्यूक्लियस बनता है तो भी क्या हो जाता है, मास डिफेक्ट आता है और वो मास डिफेक्ट किसमें चला जाता है, बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियस टूटते हुए वो चला जाता है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, न्यूक्लियस बनते हुए वो किसमें चला जाता है, बाइंडिंग एनर्जी में। अब यहाँ पे मास डिफेक्ट कितना है, ये 0.00410⁻²⁷ यहाँ पे मास किलोग्राम के अंदर दिया हुआ। जब मास किलोग्राम के अंदर होता है ना तो उसमें से कितनी एनर्जी बनेगी वो आप करोगे एम सी स्क्वायर। अगर मास यूनिट्स में दिया जाता है
तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 931 MeV, लेकिन यहाँ पे मास किसमें दिया हुआ है, किलोग्राम में। तो यहाँ से एनर्जी कितनी बनती है बेटा, 2.3 × 10⁻⁶ बेटा -6 है, -6 नहीं, इसको +6 कर दे। ये मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक को आप करेक्ट कर सकते हैं। 2.3 × 10⁻⁶ नहीं है, +6 है, मीन्स 2.3 MeV। ये क्या बनती है बेटा, ये बनती है बाइंडिंग एनर्जी। इस बाइंडिंग एनर्जी, ये बाइंडिंग एनर्जी होती है ड्यूट्रॉन की। अब इस बाइंडिंग, ये बाइंडिंग एनर्जी दो को मिलती है, एक प्रोटॉन को मिलती है और एक न्यूट्रॉन को। अगर अकेले अकेले की करें तो उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पूरे ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है 2.3 MeV। अब ड्यूट्रॉन के अंदर दो पार्टिकल है, हर पार्टिकल की कितनी होगी, 2.3 / 2, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल कितने हैं, दो। तो ये हो जाएगी, हर पार्टिकल की होगी 1.1 MeV, जिसको कहा जाता है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का मकसद है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अकेले पार्टिकल। एन अदर यूजफुल क्वांटिटी फॉर द न्यूक्लियस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और द पैकिंग फ्रैक्शन। द वैल्यू ऑफ द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.1 MeV, हर एक 1.1 न्यूट्रॉन की, 1.1 प्रोटॉन की। अ लार्ज वैल्यू कंसिस्टेंट विद द ऑब्जर्वेशन दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स। अगर किसी भी न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन है, इवन इवन नंबर है, तो ये मैजिक नंबर है, इसको मैजिक नंबर कहा जाता है। डिटेल्स में नहीं जाते कि दो दो जो होता है, इवन इवन जो होता है, ये मैजिक नंबर है। मैजिक नंबर्स वो होते हैं जिन नंबर वाले न्यूक्लियर बहुत ज्यादा स्ट्रांग टाइटली बाउंडेड होते हैं। डिटेल्स में नहीं जाते क्योंकि इतनी डिटेल्स नहीं, मैजिक नंबर्स होते हैं, उन मैजिक नंबर में से ये मैजिक नंबर है। A large volume consistent with the observation that a combination of two protons and two neutrons is very stable. Packing fraction for various nuclei has been plotted. अब ये graph है बेटा, ये आपको बताता है कि अगर periodic table में आप शुरू वाले elements देखोगे तो उनकी binding energy per nucleon बढ़ेगी और फिर बाद में उनकी कम होगी। सबसे जो tightly bounded होते हैं ना, वो होते हैं iron, nickel, cobalt, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी ओवर 8 MeV होती है। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी वो न्यूक्लियस टाइटली बाउंडेड होगा। आप पीरियडिक टेबल के अंदर देखोगे कि शुरू के अंदर ये तेजी से बढ़ती है और ये मैक्सिमम होती है, उसके बाद फिर क्या हो जाती है, कम, और जब कम होती है तो रेडियो एक्टिविटी शुरू होती है 81, और इसके बाद ये फिर क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, रेडियो एक्टिविटी शुरू हो जाती है। It can be noted from the graph that the binding energy per nucleon increases rapidly at first. शुरू वालों में binding energy तेजी से बढ़ती है, and then slowly decreases as the number of nucleus increases beyond 60. 60 के बाद फिर ये कम होती है। Apparently, the nuclei with the largest binding energy per nucleon and hence most tightly bounded are those in the middle region of the periodic table: iron, cobalt, and nickel. These nuclei have considerably less mass than the sum of the masses of their constituent nucleons. It would take a large amount of energy to pull the nucleus apart. In nuclei ko todne ke liye bahut zyada energy chahiye. For these elements, the amount of binding energy per nucleon is over 8 MeV. The graph can be interpreted as a rough graph of nuclear stability. ठीक है? अब इसके बाद कल करेंगे, ये कल इंशाल्लाह आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमने जो आगे वाले टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, ये हमारे सारे के सारे टॉपिक्स थ्योरेटिकल हैं। अब इनके अंदर वो चीजें जो इन टॉपिक्स के अंदर है, इनको हम पढ़ते हैं, इनको एक्सप्लेन भी करते हैं। ये चीजें ज्यादातर इसके अंदर आपको याद करनी होगी, रटा लगाना होगा, तो वो चीजें याद कीजिएगा। पेज नंबर है बेटा हमारे पास 316 के ऊपर है न्यूक्लियर रिएक्शंस। देखिए बेटा, कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने अल्फा, बीटा और गामा इमिशन के बारे में पढ़ा था,
और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि रेडियो एक्टिविटी जो होती है ये स्पॉन्टेनियस भी होती है और ये इंटेंसिव भी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करवा सकते, आप किसी भी न्यूक्लियस को आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। और सबसे पहले न्यूक्लियस को आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव बनाया था रदरफोर्ड ने, जो रिएक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर इसने नाइट्रोजन को अल्फा पार्टिकल के जो है वो फॉर्म करने के बाद ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट किया था। न्यूक्लियर रिएक्शंस इन विच अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर इमिटेड बाय अनस्टेबल न्यूक्लियर वर इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर। दीज न्यूक्लियर रिएक्शंस आर हाउएवर स्पॉन्टेनियस एंड uncontrollable, but they provided the first rich source of nuclear particles which may be used to bombard other nuclei and initiate new nuclear reactions. One of the first nuclear reaction artificially induced was observed by Rutherford in 1919. He used alpha particles obtained from radioactive nuclei to bombard nitrogen nuclei to produce oxygen. Equation दी गई है, इसके अंदर nitrogen 14 है, इसके ऊपर जब alpha particle fall करवाया जाता है तो ये किस में convert हो जाता है, oxygen 17 के अंदर, और इसमें से क्या पैदा होता है, proton होता है। अब इसके अंदर जो कहा गया the discovery of this nuclear reaction, इसके अंदर भी सब conservation laws होते हैं। इस reaction को लिखने का तरीका देखिए, देखिए ये नाइट्रोजन है 17 है और सॉरी नाइट्रोजन 14 है और इसका जो चार्ज नंबर 7 है इसको हम क्या देते हैं, अल्फा पार्टिकल देते हैं, तो इसमें से क्या बन जाता है, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 17 और बनती है, इसमें से क्या बनता है, प्रोटॉन बनता है। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं नाइट्रोजन और इसको हम क्या देते हैं, अल्फा पार्टिकल, और इसमें से ऑक्सीजन बनती है, सॉरी ये अल्फा पार्टिकल आता है बेटा हमारे पास, प्रोटॉन बनता है और इसमें से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे वो चीजें लिखी जाएंगी जो रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल होंगे, राइट साइड पे क्या लिखा जाएगा, वो चीजें लिखी जाएंगी जो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये जो होता है ये पहला रिएक्शन था जो आर्टिफिशियली इंड्यूस हुआ है। तो आप इसको इस तरह से कहेंगे बेटा, ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ दिस न्यूक्लियर रिएक्शन वाज अ लैंडमार्क इन द फिजिक्स एंड ओपनड अ न्यू एरा फॉर प्रोड्यूसिंग अदर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस व्हिच मे बी समराइज्ड एज बिलो। पहला है प्रोटॉन इंड्यूस रिएक्शन। देखें, इफ लिथियम एब्जॉर्ब अ प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल्स आर फाउंड टू बी प्रोड्यूस्ड। ये याद रखने बेटा, देखें इसमें लिथियम 7 इस्तेमाल हुआ है, लिथियम 7 है, इसको हम प्रोटॉन देते हैं बेटा, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, दो अल्फा पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दिस रिएक्शन इज ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज इट प्रोवाइडेड द अर्लीस्ट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। अगर पूछा जाए कि कौन से रिएक्शन से, तो ये रिएक्शन आपको याद करना होगा, ये लिथियम 7 के साथ है, नीचे एक और रिएक्शन है जो लिथियम 6 के साथ है। अब सेकंड है न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन। हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स मे बी एब्जॉर्ब्ड बाय लिथियम 6 टू प्रोड्यूस टू अल्फा पार्टिकल। इसलिए लिथियम 6 है बेटा। हां ही भाई, हमारी आई है 6 वाला आइंस्टाइन की मास एनर्जी को सबसे पहले प्रूव नहीं किया था, किसने किया था, लिथियम 7 ने। और किस तरह से प्रूव किया, जाहिर है मास इफेक्ट होगा और मास किस में कन्वर्ट हुआ है, एनर्जी के अंदर, क्योंकि आइंस्टाइन की इक्वेशन कहती है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। तो लिथियम 6 है, इसमें जब न्यूट्रॉन आता है तो इसमें क्या बन जाते हैं, दो अल्फा पार्टिकल बन जाते हैं। अब इसके बाद है गामा इंड्यूस रिएक्शन। अब इसके अंदर बेटा होता है एल्यूमिनियम होता है, इसके ऊपर सिर्फ गामा होता है बेटा, इसके अंदर H21 है ना, ये मिसप्रिंटिंग है बेटा, इसको मिटा दें, क्योंकि अगर H21 रखोगे तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर और कंजर्वेशन ऑफ
मास नंबर नहीं होगा। एल्यूमिनियम है बेटा 27 है और 13 है, इस पे गामा 50 का जब फॉल करवाते हैं तो ये सोडियम के अंदर कन्वर्ट होता है, प्लस इसमें से क्या बन जाते हैं, दो प्रोटॉन बनते हैं। ये रिएक्शन एक और तरह से भी होता है, अगर आप एल्यूमिनियम को H2N दोगे तो ये रिएक्शन सोडियम 24 के अंदर जाएगा और इसमें से दो प्रोटॉन बनेंगे और एक न्यूट्रॉन बनेगा। तो इसकी दो कंडीशंस होती है, लेकिन आपके बुक में सिर्फ एक कंडीशन दी हुई है, तो आप बुक वाली कंडीशन लिखें। इसके बाद है हमारे पास न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन बेटा। फिशन रिएक्शन का मकसद है ऐसा रिएक्शन जिसमें एक हेवी न्यूक्लियस टूट के दो लाइट न्यूक्लियर बनाता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे फिशन, ठीक है। और इसकी कुछ हिस्ट्री भी दी गई है, ये चीजें याद रखनी है बेटा, ये बड़े टॉपिक है, हम इतना डिटेल में अंदर नहीं जा रहे, आपने सिर्फ वही चीजें याद रखनी है जो आपके बुक में, क्योंकि आपने टेस्ट देनी है, ज्यादा डीप इन टॉपिक्स के अंदर जाओगे तो खामखा का टाइम वेस्ट होगा। अ रिमार्केबल न्यूक्लियर रिएक्शन वॉज डिस्कवर्ड इन 1934 व्हेन फर्मी सेग्रे एंड कोवर्कर्स बम्बार्डेड यूरेनियम by neutrons and notice the production of several beta activities with different half-lives. 4 years later, in the year 1938, two German scientists, Hahn and Strassmann, showed that one of the radioactive element produced when uranium is bombarded by the neutron is the barium isotope 141. Soon after, in the 1939, Fish and Mettler suggested that in the above neutron bombardment experiment, the uranium nucleus undergoes a nuclear fission process producing two fragments, barium and krypton of roughly equal size. Such a process of splitting of a heavy nucleus into smaller fragments is called nuclear fission. ठीक है, ये history दी गई, याद रखनी है बेटा, क्योंकि ये चीजें टेस्ट के अंदर आ सकती है कि फिशन रिएक्शन के अंदर यूरेनियम 235 के ऊपर जब फिशन रिएक्शन करवाया जाए, फिशन रिएक्शन करवाया कैसे जाता है बेटा, कि यूरेनियम 235 के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करवाई जाती है, न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट के बाद यूरेनियम 235 जो होता है उसका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बढ़ जाता है और वो एक्साइटेड हो जाता है और आखिरकार वो दो न्यूक्लियर के अंदर टूट जाता है। इसमें क्वेश्चन आया था एनडीएस के टाइम पे कि इसके अंदर जो न्यूट्रॉन इस्तेमाल होता है स्लो होता है या फास्ट होता है, तो इसके अंदर बेटा स्लो न्यूट्रॉन इस्तेमाल होता है इसलिए कि फास्ट न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से गुजर जाएगा, ठीक है, फास्ट अगर न्यूट्रॉन दोगे तो ये न्यूक्लियस से गुजर जाएगा, इसलिए स्लो न्यूट्रॉन के बारे में आप कह सकते हैं। Such a process of splitting a heavy nucleus into smaller fragments is called nuclear fission. Each fission of smaller particles also in addition to the bigger fragments. Typical nuclear fission reaction are formed. Uranium 235 इसके ऊपर न्यूट्रॉन आता है, यूरेनियम 236 के अंदर जाता है, इसमें बेरियम बनता है, क्रिप्टॉन बनता है, प्लस इसमें तीन क्या हो जाते हैं, न्यूट्रॉन आते हैं, प्लस इसमें क्या हो जाती है, क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है। वेयर इज क्यू इज द एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन, थस द जनरल स्कीम ऑफ द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इज ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद 236 में जाएगा, एक्साइटेड होगा, एक्स वाई फ्रेगमेंट्स बनेंगी, न्यूट्रॉन एनर्जी गामा रे के अंदर बनेगी। वेयर 236 इज एक्साइटेड न्यूक्लियस आफ्टर द कैप्चर ऑफ न्यूट्रॉन, एक्स एंड वाई आर द फिशन फ्रेगमेंट्स, दिस फिशन प्रोसेस मे बी स्कीमेटिकली रिप्रेजेंटेड। देखिए इस रिएक्शन के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें न्यूट्रॉन का निकलना है, ये रिएक्शन होता ही न्यूट्रॉन से। अगर आप यूरेनियम के अंदर ये रिएक्शन स्टार्ट करोगे, आप एक रिएक्शन स्टार्ट करोगे उसमें से सपोज करें तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं, वो तीन न्यूट्रॉन फर्दर तीन यूरेनियम को तोड़ेंगे और इस तरह से ये रिएक्शन क्या करेगा, इस तरह से ये रिएक्शन कंटिन्यू करेगा और रिएक्शन सेल सस्टेनिंग, जिसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन, ये चेन बन जाती है। अब ये चेन रिएक्शन आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर इस चेन रिएक्शन को आप अनकंट्रोल छोड़ दें
सपोज करें यूरेनियम आपके पास बहुत ज्यादा है, आपने रिएक्शन करके छोड़ दू, जो अमाउंट ऑफ यूरेनियम एटम्स टूटेगी और एक एक्सप्लोजन हो जाएगा जो एटॉमिक बम बन जाता है। तो अगर चेन रिएक्शन को आप अनकंट्रोल्ड छोड़ोगे तो अनकंट्रोल्ड जो चेन रिएक्शन होता है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जो होता है वो न्यूक्लियर बम बनता है। और अगर आप चाहें तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और आप इसको कंट्रोल किससे करोगे, आप इसके अंदर मॉडरेटर इस्तेमाल करोगे। और मॉडरेटर में क्या हम करते हैं, ग्रेफाइट, कैडमियम और ग्रेफाइट इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा मटेरियल होता है जो जहाँ पे ये फिशन रिएक्शन होता है वहां पे अगर ये मौजूद है तो ये मटेरियल क्या करता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने से ये रिएक्शन फर्दर सेल्फ सस्टेनिंग नहीं रहता और ये रिएक्शन बंद हो जाता है। तो ऐसी चीज जो इस रिएक्शन को खत्म करती है उसको हम क्या कहते हैं, मॉडरेटर। और मॉडरेटर किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द अबव रिएक्शन इज द लिबरेशन ऑफ एट लीस्ट वन और मोर एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स विच में फर्दर इंड्यूस फिशन इन द एडिशनल हेवी न्यूक्लियर इन द फॉर्म ऑफ चेन रिएक्शन रिजल्टिंग इन द सडन रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड न्यूक्लियर बॉम्ब। The energy released in the fission process due to the conversion of mass defect between the mass of the heavy nucleus and the resultant fragments. ये mass defect होता है, कल discuss किया था, into energy. The nuclear chain reaction, ये chain reaction का diagram दिखाया गया। The chain reaction described above is a self-sustaining reaction. Self का मकसद है जो न्यूट्रॉन निकलते हैं फर्दर रिएक्शन को कंटिन्यू करवाते हैं। इफ सच अ रिएक्शन इज अलाउड टू प्रोसीड रैपिडली इट वुड लीड टू अ ह्यूज एक्सप्लोजन बिकॉज़ ऑफ द अनचेक्ड रिलीज ऑफ एनर्जी। द अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन मे बी चेक्ड इफ सम डिवाइस इज यूज्ड एज यूज्ड टू एब्जॉर्ब सम ऑफ द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन फिशन। अ सूटेबल डिवाइस इज द यूज ऑफ सम मटेरियल एज मॉडरेटर टू स्लो डाउन द रिएक्शन। commonly used materials as good moderation are graphite and cadmium which may keep the chain reaction well below the self sustaining level. Moderators are used in the form of numerous rods inserted into reaction chamber. ठीक है, तो इस reaction को आप control भी कर सकते हैं और ये uncontrolled भी होता है। अगर uncontrolled छोड़ोगे तो atom bomb का process होगा, अगर control करोगे तो आप इसको पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, कैंसर वगैरह के लिए ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है और बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ मकसद के लिए इसको कर सकते हैं यूज। अब इसके बाद है प्यून बेटा। प्यून का मकसद होता है जिसमें लाइट न्यूक्लियर मिला के एक हेवी न्यूक्लियस बनाए। इसमें फिशन में हेवी न्यूक्लियस टूट के लाइट बनाता है, इसके अंदर दो लाइट मिलके क्या बनाते हैं, हेवी बनाते हैं। जब फिशन रिएक्शन होता है न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उसको न्यूक्लियस से कोई रिपल्शन नहीं आती इसलिए इजीली हो जाता है। लेकिन ये जो प्यून होता है ना, इसके अंदर दो न्यूक्लियर को मिलाना होता है और दोनों न्यूक्लियर क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, रिपेल करेगी। इसलिए इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी होगी। फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी कर्व 19.6 ऑफ सेक्शन 10 वी मे नोट दैट न्यूक्लियर विद मास नंबर ए लेस देन 30 और 40 सिमिलर बाइंडिंग एनर्जी। क्या आप जैसे देखोगे, कल हमने पीरियडिक टेबल के अंदर देखा था के जो बड़े न्यूक्लियर होते हैं उनमें मास डिफेक्ट ज्यादा होता है, जो छोटे न्यूक्लियर होते हैं उनमें मास डिफेक्ट कम होता है, बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। फॉर एग्जांपल द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हाइड्रोजन इज 1.12 MeV वेयर एज इट हैज अ वैल्यू ऑफ 7.07 MeV फॉर हीलियम। दिस सजेस्ट दैट इन प्रिंसिपल अ प्रोसेस इनवर्स टू द फिशन इज एनर्जेटिकली पॉसिबल फॉर लाइटर न्यूक्लियर। हाउएवर हेंस the process in which heavier nuclei are formed from two or more lighter nuclei is called nuclear fission, nuclear fusion. The energy released in the fusion of the lighter nuclei into heavier nuclei is called thermonuclear fusion.
व्हेन फ्यूजन टेक्स प्लेस अंडर कंट्रोल कंडीशन। अब फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है बेटा, देखें इस रिएक्शन के अंदर दो ड्यूट्रॉन इस्तेमाल किए, H2O1 ड्यूट्रॉन है, इनको इस्तेमाल किया तो इसमें He3O2 मींस हीलियम का आइसोटोप बनता है, प्लस इसमें एक न्यूट्रॉन बनता है और इसमें एनर्जी मिलती है 3.3 MeV। अब इसके बाद दूसरा रिएक्शन देखें, इसमें भी दो ड्यूट्रॉन है, इसमें से एक ट्राइटॉन बनता है और इसमें से एक प्रोटॉन निकलता है और इसमें एनर्जी कितनी मिलती है आपको 4 MeV। मीन्स दो तरह से रिएक्शन हो सकता है, अगर न्यूट्रॉन बनेगा तो हीलियम आइसोटोप बनेगा, और फर्स्ट रिएक्शन के अंदर जो दो ड्यूट्रॉन है इसमें से जो है वो एक न्यूट्रॉन निकलता है, सेकंड रिएक्शन के अंदर क्या निकलता है प्रोटॉन। डिफरेंस है, ये डिफरेंस याद रखने वाला। इन अदर सोर्स कुड बी द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ न्यूट्रॉन एंड ट्राइटॉन। अगर न्यूट्रॉन और ट्राइटॉन को आपस में मिलाएंगे तो इसमें से क्या बन जाएगा, अल्फा पार्टिकल, और इसमें एक न्यूट्रॉन निकलेगा और इसमें से एनर्जी निकलेगी 17.6 MeV। फ्यूजन रिएक्शन फॉर दिस टाइप कैन प्रोड्यूस अबंडेंट एनर्जी, द रॉ मटेरियल फॉर द रिएक्शन। अब इसके अंदर न्यूट्रॉन चाहिए और न्यूट्रॉन हमें कहाँ से मिलता है, हेवी वाटर के तौर पे ओशियन से मिलता है। इस न्यूट्रॉन व्हिच इज फाउंड इन अबंडेंस इन द वर्ल्ड ओशियंस एज हेवी वाटर, फ्यूजन रिएक्शंस आर आल्सो द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी इन स्टार्स इंक्लूडिंग द सन। ये क्वेश्चन भी आया था कि स्टार्स और इनके अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, ये फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, वन सच चेन रिएक्शन ऑफ फ्यूजन प्रोसेस। अब देखें ये एक रिएक्शन दिया गया, इसको हम कहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। इस प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के अंदर चार प्रोटॉन इस्तेमाल होते हैं, इसमें से चार प्रोटॉन में अल्फा पार्टिकल बनता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। अब ये तीन रिएक्शंस पे मुश्तमिल है, दो प्रोटॉन हम कंबाइन करेंगे इसमें एक न्यूट्रॉन बनेगा, इसका मकसद है इन दोनों प्रोटॉन में एक कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में, क्योंकि बीटा पॉजिटिव निकला है और बीटा पॉजिटिव के साथ क्या निकला है न्यूट्रिनो निकला है, और ये जो आपको न्यूट्रॉन मिलेगा H2O1 इसको आप दोगे थर्ड प्रोटॉन, और थर्ड प्रोटॉन के बाद ये किसमें चला जाएगा हीलियम, और इसमें से गामा निकलेगा। अब हीलियम को आप क्या दोगे प्रोटॉन, ये किसमें चला जाएगा कार्डिक डेवी क्लास से बीटा पॉजिटिव, मींस ये चौथा प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल बनता है चार, अल्लाह कहते तो अगर चार प्रोटॉन से अल्फा पार्टिकल बनेगा इसका मकसद है दो प्रोटॉन को किसमें जाना पड़ेगा न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होंगे ना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के अंदर दो क्या होते हैं न्यूट्रॉन, अगर चार प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाते हैं इसका मकसद है दो प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट होते हैं, दो प्रोटॉन कन्वर्ट होने न्यूट्रॉन में, तो इसमें से दो बीटा पॉजिटिव निकलते हैं फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन के अंदर। तो फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन के अंदर एक एक प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन के अंदर, और इसमें जब बीटा पॉजिटिव निकलता है तो देखिए साथ में न्यूट्रिनो लिखा हुआ है, और न्यूट्रिनो जो होता है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इसका मास वेरी नियर जीरो होता है और हाईली पेनिट्रेटिंग होता है, अर्थ से भी ऐसे गुजर जाता है जैसे रोशनी ग्लास से गुजर जाती है, अर्थ से ऐसे गुजर जाता है, लेकिन मासलेस नहीं है, मास वाला पार्टिकल, मिलियन बिलियन न्यूट्रिनोज आपसे गुजर जाते हैं आपको पता भी नहीं लगता, तो ये मासलेस नहीं है, मास वाला पार्टिकल है न्यूट्रल पार्टिकल। इन द फर्स्ट एंड थर्ड रिएक्शन अबोव न्यूट्रिनो इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल अ वेरी स्मॉल मास या कंपेयर टू इवन जीरो दैट कैरीज अवे द मिसिंग एनर्जी इन द कंसर्न न्यूक्लियर रिएक्शन एंड फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंजर्वेशन लॉज ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी। ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो इस रिएक्शन के अंदर की जाती है उसमें इस एनर्जी को भी इन्वॉल्व किया जाता है। This means that in a process involving the beta decay, the disintegration energy is shared between the beta particle, the neutrino, and the recoil nucleus with the division of energy among the three particles. The above fusion reaction means that the net effect of the proton-proton cycle of three fusion reaction is the conversion of four protons into an alpha particle,
two positron, two neutrinos, and a gamma ray photon. In this Fion process, the amount of energy released have been calculated to be of the order of 25 MeV. Fion of the hydrogen into helium can also proceed in another way. एक और रिएक्शन भी है बेटा, इसके अंदर भी चार प्रोटॉन किसमें जाते हैं, अल्फा पार्टिकल के अंदर, लेकिन ये रिएक्शन कार्बन को इस्तेमाल करता है, कार्बन को एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करता है, और इस रिएक्शन को कहा जाता है कार्बन कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, और यही रिएक्शन कहा जाता है सन के ऊपर हो रहा है, और इसी रिएक्शन की वजह से सन में से ये एनर्जी मीटर बीते ने जो है वो इसको सजेस्ट किया था. दिस इज अज्यूम टू ऑकर इन द सन एंड इज नोन एज द कार्बन नाइट्रोजन साइकिल और सिंपली कार्बन साइकिल. दिस साइकिल ऑफ फियोन रिएक्शन वाज प्रपोज्ड बाय बीते इन द ईयर 1938. इन दिस टाइप इन दिस साइकिल फोर प्रोटॉन्स आर कन्वर्टेड इनटू एन अल्फा पार्टिकल विद द कार्बन एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन. The sequence of the reaction taking place in the carbon cycle are. देखिए carbon 12 से शुरुआत होती है, इसको एक proton दिया जाता है, किसमें convert हो जाता है, nitrogen के अंदर. Nitrogen 13 जो है ये radioactive है. Nitrogen 13 जो होता है वो beta positive emit करने के बाद किसमें चला जाएगा, carbon 13 के अंदर. और carbon 13 को दूसरा proton दिया जाता है, ये किसमें convert हो जाएगा, नाइट्रोजन 14 के अंदर. नाइट्रोजन 14 को तीसरा प्रोटॉन दिया जाता है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन 15 के अंदर. ऑक्सीजन 15 रेडियोएक्टिव है, ये किसमें चला जाएगा, बीटा पॉजिटिव इमिट करने के बाद नाइट्रोजन 15 में जाएगा. नाइट्रोजन 15 को चौथा प्रोटॉन दिया जाता है, ये कार्बन और अल्फा पार्टिकल के अंदर चला जाएगा. तो कार्बन किसके तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रहा है. द एनर्जी रिलीज आफ्टर अ कम्प्लीट साइकिल during which four protons combine to form a nucleus of the helium and two positrons have been found to be more than 26.7 MeV. ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ, जो लिखा हुआ है वो बताता है कि आपका बुक 1948 के अंदर लिखा हुआ है. ठीक है, लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, पढ़ लीजिए. इसके बाद जो लिखा हुआ है वो कहता है ये आपका ओल्डेस्ट बुक है इन पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बूढ़ा जो बुक है वो ये. ठीक है ना, क्योंकि ये 1900, क्योंकि इसमें देखिए एक अजीब चीज लिखी गई है कि फ्यूल रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए 1948 से कोशिशें जारी है. अब अगर ये बुक लिखा होता 1970 में तो क्यों कहते कि 1948 से ये क्वेश्चन, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद ही साइंस शुरू हुई. ये बुक 1948 के करीब लिखा, 1949 में लिखा हो, 50 में लिखा हो, 1951 के अंदर लिखा हो, 52 के अंदर लिखा, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि सबसे बूढ़ा बुक पाकिस्तान के अंदर यही है. और सुना था कि इस साल इसको चेंज कर रहे हैं, लेकिन अब ये सुन रहे हैं कि चेंज नहीं कर रहे. ठीक है, अब चेंज न करने के जो रीजन मुझे नजर आते हैं, मैं आप हो सकता है मेरी बात गलत हो, सही है, जरूरी नहीं मेरी बात गलत हो, लेकिन मुझे जो रीजन नजर आ रहा है ना, तो शायद लिखने वालों से लिखा नहीं जा रहा, और अगर लिखने वाले कहीं से कॉपी पेस्ट करके बुक बना भी देते तो डरिए के बढ़ाएगा. ठीक है, तो अपनी एजुकेशन के हालात ये तो ठीक है, बुक सबको रटा लगा हुआ है, जैसे तैसे करके काम चल जाता, लेकिन अगर नई चीज आई तो मसला तो होगा. ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो बुक को चेंज करने के पीछे, जो न करने के पीछे जो सबसे बड़ा मुझे नजर आ रहा है रीजन, ये होता है कि जितना खींच सको खींचो, फिर बहुत ज्यादा तमाशा लगे तो चेंज कर दो भले, लेकिन मजबूरी कह दिए कि बढ़ाएगा. ठीक है, अपनी एजुकेशन के ये हालात हो गए. पाकिस्तान जिंदाबाद. ग्रेजुएट आते हैं ना, फिजिक्स के ग्रेजुएट ने, अब मैं कोई सब्जेक्ट तो मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन फिजिक्स के बहुत सारे टीचर यहाँ पे जब डेमो देने आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि ग्रेजुएशन किसके अंदर है, वो कहते हैं कि हमारी
बीएस वगैरह फिजिक्स के अंदर एक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे तो बंदे को ये आता है कि हंसी आती है सुन के कि वो कहते हैं सिंधी भी पढ़ाएंगे, उर्दू भी पढ़ाएंगे, पाकिस्तान स्टडी भी पढ़ाएंगे, सोशल स्टडीज भी पढ़ाएंगे, लेकिन फिजिक्स नहीं पढ़ाएंगे। अब ये हालात है तो शायद बुक लिखने वालों को किसी ने बताया है कि पढ़ाएगा कौन। बहरहाल देखेंगे क्या होता है इस मुल्क का, अगर आ जाता है तो मजा आएगा। ठीक है, देखेंगे किसके अंदर कितना दम होता है, पढ़ने वालों का भी पता लगेगा, पढ़ाने वालों, पढ़ने वाले तो पढ़ लेंगे न्यू बुक पे, पढ़ाने वालों का ज्यादा पता लगेगा। उसके बाद होता है बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर, ये आखिरी टॉपिक है आपका। देखें फिशन और पियन रिएक्शन दो हमने डिस्कस किए बेटा। फिशन रिएक्शन कंट्रोलेबल होता है, पियन रिएक्शन अनकंट्रोलेबल है। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इसके अंदर ही जो है वो फिशन रिएक्शन करवाया जाता है, और फिशन रिएक्शन को करवा के बिजली वगैरह पैदा की जाती है। तो ऐसी लेबोरेटरी या ऐसी चीज जिसके अंदर ये रिएक्टर रिएक्शन करवाया जाए उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। इसके अंदर एक लाइन आपको जान में रखनी है कि जैसे अगर आप आम तरह से कोयले से आग जलाते हो तो उसमें जो हीट पैदा होती है उसके मुकाबले में एक फिशन रिएक्शन के अंदर जो हीट पैदा होती है वो 10^9 टाइम्स ज्यादा पैदा होती है। ये लाइन लिखी हुई है बेटा, इसकी सेकंड लाइन है, अ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन And we produce produces every on the second average power. 10^9 times more energy compared to the energy released when a carbon atom in the conventional coal furnace combine with the oxygen in the air to form carbon dioxide। आम जो कोल फर्नेस होता है ना उसके मुकाबले में फ्यूल रिएक्शन एक कितनी एनर्जी पैदा करता है, 10^9। अब इसके बाद है न्यूक्लियर फ्यूल बेटा, सिर्फ पॉइंट्स याद करें बेटा इसकी रटा, मैं पॉइंट्स आपको भेजता हूँ जिसके अंदर सब इसकी और 19 और 20 चैप्टर की सब जो है वो शॉर्ट पॉइंट्स लिखी हुई है, रटा लगाना है आपने। ठीक है, बुक को भी पढ़ना है, हो सकता है कोई चीज मिसिंग हो, इसके अंदर अच्छा खासा रटा लगना चाहिए क्योंकि आपका सिलेबस आपको पता है रात आ गया है और सिलेबस वही है। अब इलाज आप लोगों का इलाज दुनिया के अंदर नहीं है, फिजिक्स वालों का तो इलाज हो जाएगा, आप लोगों का इलाज है ही नहीं। ठीक है, अब सिलेबस आया उसके बाद क्वेश्चन आया, अब इरिटेशन, फिर कहते कि सर आप हमसे तमीज से बात नहीं करते। अब आप तमीज के लायक हो कि तमीज से बात, पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, मुझे आंसर दे दे तो फिर मैं भी आपको आंसर दे दूंगा। पहला क्वेश्चन ये था कि फिर टेस्ट की डेट क्या होगी। अब सिलेबस एक अलग चीज होती है, टेस्ट की डेट पहले दे चुके हैं। अब अगर सिलेबस आता है तो टेस्ट की डेट का क्या ताल्लुक उसे, खुदा के बंदे डेट अलग चीज होती है सिलेबस। अब यहाँ पे जीटी की आपको डेट दे देते हैं, सिलेबस बाद में बताते रहते हैं कि सिलेबस और डेट में क्या कनेक्शन है, कोई ऐसा कनेक्शन है। दूसरी बात कि सिलेबस सेम है या डिफरेंट, खुदा के बंदे स्टूडेंट तुम वो खोल के देख लो सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, तीसरी बात कि रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगी सर, फिर रजिस्ट्रेशन का मुझे तो नहीं बताया पीएमडीसी ने कि भाई रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगी। अब ऐसी बातें आप पूछते, और जो उसके बाद सिलेबस देखें सेम है, सिर्फ कलर चेंज है। ठीक है, उसमें और था इसमें, अब उसमें पुराने सिलेबस में लिखा था कि टेस्ट एक होगी, ये होगा, वो होगा। तो यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ ना, सोशल मीडिया पे बांधे लोग होते जो अक्ल से फ्री लोग होते, अब वो सोशल मीडिया और एक टेस्ट होगी पूरे मुल्क के अंदर। भाई खुदा के बंदे पुराना सिलेबस है, कलर चेंज करके दिया है, पुरानी चीज फर्स्ट ईयर तय हो चुका, पीएमडीसी बन चुकी, सूखू की टेस्ट होती है, लास्ट ईयर हो गई, अभी भी होगी। अब वो कोई एक चीज उसमें आ गई है तो उसका मतलब सिंगल टेस्ट सर, फिर बुक्स कौन से, अरे भाई बुक्स हिस्ट्री भी के पढ़ो भी बहुत से पढ़ो, अब कौन
फिर आप कहते हैं सर आप तमीज से बात नहीं करते, ये करते हैं वो करते हैं, आपके स्टूडेंट हैं ये, तो भाई आप ही तमीज थोड़ी तो सीखे कि पूछते क्या हो खुदा के बंदे। ये कंफ्यूजन की निशानी है, ये चीज आपको बताती कि आप इंतहाई कंफ्यूज लोग हो। अब आप डॉक्टर बनोगे, कल इंजीनियर बनोगे, पेशेंट पड़ा होगा आपसे फैसला नहीं होगा, ऑपरेशन कर दिए नहीं कर दिए। अभी अब ज्यादा मैं आपको क्या बोलूं, ऑनलाइन ना होता तो आपको बहुत सारी चीजें मैं बताता, लेकिन ऑनलाइन है इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, टॉपिक है बेटा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर बेटा। तो देखें न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है इसके अंदर होता है फ्यूल, और फ्यूल का मकसद होता है जिससे रिएक्शन हो। सिंपल सी बात है, इंजन का फ्यूल क्या होता है, पेट्रोल और डीजल होता है। तो देखें मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ फिशनेबल और फिजाइल आइसोटोप इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फ्यूल बेटा। कि जो आप कह सकते हैं कि जो चीज फिशन रिएक्शन करती है, फिशन रिएक्शन दो करते हैं, यूरेनियम 235 करता है और दूसरा प्लूटोनियम 239 करता है। ठीक है, जो कन्वेंशनल रिएक्टर पुराने रिएक्टर होते हैं उनके अंदर 235 से फिशन रिएक्शन होता था, और जो ग्रेडर रिएक्टर है उससे 239 से होता है। अब मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ द फिशनेबल आइसोटोप इज कॉल्ड द न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल। द फ्यूल दैट मे बी यूज्ड इन अ रिएक्टर आर यूरेनियम 235 इन इट्स नेचुरल अबंडेंस 0.715। ये नेचुरली यूरेनियम 235 जितना मिलता है उसमें से सिर्फ जो भी यूरेनियम मिलता है उसका सिर्फ 0.715% होता है यूरेनियम 235। आर इन एनरिच्ड प्रोपोर्शन यूरेनियम 238 कर दें बेटा इसको, ये बुक के अंदर मिस्टेक है, यूरेनियम 238 कर दें, आईई 238 एंड 239 बेटा। नीचे 239 है, ऊपर जो आईई है ना बेटा 235, जो इसको 238 कर दें। तो बेटा कुदरती तौर पे जितना भी यूरेनियम मिलता है उसमें सिर्फ 0.715% जो होता है वो 235 होता है, बाकी रिमेनिंग 238 और 239 होते हैं। अब इसके बाद होता है मॉडरेटर बेटा। मॉडरेटर का काम क्या होता है, मॉडरेटर का काम होता है रिएक्शन को कंट्रोल करना। इन द न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस एटलीस्ट वन और मोर energetic neutrons are produced per fission to reduce the energy of neutrons. Some suitable materials are required which are known as moderators. The good moderating materials possess really low mass number. Moderator ka kaam hota hai neutron ke saath, isliye inka apna mass number kam hona chahiye. Aisa na ho ke ye neutron ko absorb karne ke baad khud jo hai wo koi reaction karke baithe. एंड लार्ज स्लोइंग डाउन पावर, क्योंकि इनको न्यूट्रॉन को स्लो करना है तो इसका स्लोइंग डाउन पावर ज्यादा होना चाहिए। द ऑर्डिनरी वाटर, आम पानी, लाइट वाटर इज एन अट्रैक्टिव मॉडरेटर, ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये इजीली मिलता है और लो कास्ट है। इससे बेहतर है हेवी वाटर, लेकिन हेवी वाटर कास्टली है और मिलता कम है। ऑर्डिनरी वाटर लाइट वाटर इज एन अट्रैक्टिव मॉडरेटर मटेरियल बिकॉज ऑफ इट्स इजी सप्लाई एंड लो कॉस्ट। हेवी वाटर इज सपोज टू बी द बेस्ट सूटेड मटेरियल फॉर न्यूट्रॉन मॉडरेशन इन स्पाइट ऑफ इट्स ग्रेटर कॉस्ट एज कंपेयर्ड विद द लाइट वाटर। अदर मॉडरेटर्स व्हिच मे बी यूज्ड इन अ रिएक्टर आर ग्रेफाइट, बेरिलियम एंड इट्स ऑक्साइड एंड सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद है कूलेंट बेटा। जब ये रिएक्शन होता है ना तो इसमें एनर्जी पैदा होती है, हीट पैदा होती है फिशन में। तो जहां पे ये रिएक्शन होता है वहां पे हीट जो पैदा होती है उस जगह को ठंडा करने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं कूलेंट। जैसे इंजन के अंदर भी पानी इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंजन के अंदर हीट पैदा होती है उसको ठंडा रखने के लिए।
a huge amount of heat is generated in the reactor core as a result of the fission taking place in the nuclear fuel. To remove this large quantity of heat, materials are required, which are called coolants. These materials are usually circulated through the core in order to absorb heat and transfer it to the outside core. जैसे ये इंजन के अंदर पानी को घुमाया जाता है, इंजन में से वो हीट बाहर लेके इंजन को ठंडा रखते हैं, इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसकी दीवारों के अंदर पानी घुमाया जाता है ताकि वो न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रख सके। अब कूलेंट की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इट शुड हैव अ लिटिल इफेक्ट ऑन द न्यूट्रॉन। इसका काम न्यूट्रॉन से नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका काम किसके साथ है, कूल करना, हीट को ले जाना। It should not absorb nor moderate the neutrons. इसका काम ही नहीं है, इसको ये नहीं करना चाहिए। It should not induce any chemical effect with other materials in contact with the system. कि इनको कोई भी रिएक्शन किसी मटेरियल के साथ नहीं करना चाहिए। The coolant should not break up under the effect of radiation. Coolant से radiation गुजरेगी, ऐसा ना हो कि coolant खुद break हो जाए radiation की वजह से। The coolant material should be capable of acquiring long-lived radioactivity during its circulation through the reactor. It should have low vapor pressure. क्योंकि ये reactor की दीवारों के अंदर घूमता है। जब reactor के अंदर heat पैदा होती है, ऐसा ना हो कि इसका vapor pressure इतना हो कि दीवारों को ये vapor pressure इसका तोड़ दे। इसका लिए low vapor pressure होना चाहिए। At the operating temperature of the reactor, the material should be able to remove large quantities of heat for a small input of a pumping power. In fact, no single coolant possesses all the above properties simultaneously, and the choice of the coolant depends upon the type of reactor. कोई ऐसा reactor होता है ज़्यादा heat पैदा होती है किसी में कम, तो coolant उस हिसाब से रखा जाता है. The material commonly used as coolants are light water, heavy water, liquid metals such as sodium or sodium potassium alloy or mercury. Certain organic liquids and gases are also used as coolants. इसके बाद है control material. बेटा moderator और control material का काम same होता है. Moderator neutron को slow करके reaction को बंद करता है और कंट्रोल मटेरियल क्या करता है, रिएक्शन को एक लेवल के अंदर रखता है। जैसे ब्रेक जो होता है, अगर फुल ब्रेक लगाए तो वो क्या करेगा, गाड़ी को रोक लेगा, ठीक है, लेकिन अगर एक्सीलेटर जो होता है वो गाड़ी की स्पीड को क्या करता है, कम ज्यादा करने के लिए। तो आप कह लें कि मॉडरेटर ब्रेक है जो रिएक्शन को क्या कर देता है, रोक लेता है, और जो एक्सीलेटर होता है वो क्या होता है, वो कंट्रोल मटेरियल जो एक लेवल से स्पीड को कम होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कंट्रोल मटेरियल रिएक्शन को स्टॉप नहीं करता, कंट्रोल मटेरियल क्या करता है, रिएक्शन को एक लेवल के अंदर रखता है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द न्यूक्लियर फिशन इन अ रिएक्टर, सूटेबल न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड इन द कोर रीजन। द कंट्रोल मटेरियल शुड बी सच दैट इट डज नॉट बिकम रेडियोएक्टिव बाय द न्यूट्रॉन कैप्चर। Cadmium has been found to be a good control material because of its low melting point. Cadmium can be used as a control material at low temperature. क्योंकि इसका अगर high temperature पे करोगे तो ये vapor बन जाएगा. For higher temperatures, an alloy of silver with 15% indium and 5% cadmium is more suitable because of its higher melting point. Boron is also very good control material due to its very high melting point and large neutron absorbing capability. ये सारी चीजें याद रखनी है बेटा. Sometimes boron is mixed with the stainless steel, aluminium or carbon reactors. बेटा लगा रहे बेटा चीज़ का. इसके बाद है shielding. बेटा जहाँ पे ये रिएक्टर होता है वहाँ पे दो चीजें इमिट होती है, एक रेडिएशन इमिट होती है और दूसरी हीट इमिट होती है। रेडिएशन अगर रिएक्टर से बाहर जाएगी तो वहाँ पे काम करने वाले लोगों जो जिंदा चीजें होंगी उनको नुकसान पहुंचाएगी, और हीट भी जो होती है वो इस तरह नुकसान पहुंचाती है। तो हीट और रेडिएशन को बाहर जाने से रोकने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाता है जिसको शील्डिंग कहा जाता है। इसमें हीट को बाहर जाने से रोकने के लिए 6 से 8 फीट चौड़ी दीवार दी जाती है रिएक्टर के बाहर, और वो क्या करती है, रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देती।
क्योंकि ये कंक्रीट की जो दीवार होती है ना, कंक्रीट की दीवार रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, बाहर नहीं जाने देती। तो रेडिएशन को बाहर जाने से रोकने के लिए ये कंक्रीट की 6 से 8 फीट चौड़ी दीवार दी जाती है, ठीक है। और जो रेडिएशन को, जो हीट को बाहर जाने से रोकने के लिए एक स्टील की या आयरन की फ्यू सेंटीमीटर थिक दीवार दी जाती है रिएक्टर के बाहर। तो जो हीट को रोकने के लिए स्टील की दीवार जाती है उसको थर्मल शील्डिंग कहा जाता है, और जो कंक्रीट की 6 से 8 फीट चौड़ी दीवार दी जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसको बायोलॉजिकल शील्डिंग कहा जाता है। क्योंकि कंक्रीट की दीवार का काम होता है जिंदा चीजों को रेडिएशन से बचाने के लिए इस्तेमाल करता है, और जो हीट से बचाने के लिए जो होती है वो स्टील होता है, इसलिए उसको थर्मल शील्डिंग कहा जाता है। With the exception of reactors operating at low powers, all reactors are sources of intense neutron and gamma ray radiation. These radiations are hazardous in the vicinity of the reactor. Hence, proper shielding material is always required to protect the person working in the reactor area. A shielding material used for such a protection is called biological shielding because its purpose is to protect health. Generally, a layer of concrete about 6 to 8 feet thickness has been found to be to absorb both neutrons and gamma rays and acts as a good biological shield. For reactors operating at high powers, another type of protection known as thermal shield is required to eliminate excessive heat produced in the immediate neighborhood or context of the core of the reactor. For the purpose of thermal shielding of this kind, special cooling arrangements are required to prevent the shield in contact with the core for cracking or suffering from any other heat damage. A few centimeters of iron or steel very close to the core of the reactor provides the required thermal shield. अब इसके बाद आखिरी चीज है ब्रीडर रिएक्टर। देखिए बेटा, ब्रीडर रिएक्टर क्या करता है, मैंने आपको बताया रिएक्टर दो किस्मों के होते हैं। एक यूरेनियम 235 को फिशन रिएक्शन के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन यूरेनियम 235 हमें मिलता बहुत कम, हमें जो ज्यादा मिलता है वो मिलता है 238, लेकिन 238 डायरेक्ट फिशन नहीं करता। इसके लिए क्या किया जाता है, एक रिएक्टर इस्तेमाल किया जाता है जो यूरेनियम 238 को कन्वर्ट करता है 239 में, और 239 जो होता है वो फिशन रिएक्शन करता है। तो ऐसा रिएक्टर जो अनयूजेबल 238 को कन्वर्ट करे 239 के अंदर और उसका फिशन रिएक्शन करे, उसको क्या कहा जाता है, ब्रिटिडर रिएक्टर। इन द नेचुरल ऑकरेंस ऑफ द यूरेनियम द आइसोटोप 235 बेटा इसको करेक्ट करें, 238 नहीं है 235 है, make up only 0.72%, whereas the rest 99.28% is the other isotope of 238. जो ज्यादा मिलता है वो कौन सा होता है, 238. The least abundant isotope 235 is used as a fuel for conventional reactor. 235 को हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, conventional reactor के लिए। If somehow we could use 238 as a fuel, as a nuclear reactor, we could be better off in increasing the lifespan of the existing uranium fuel supplies of the world deposit of uranium ore. Due to this reason, our interest in the breeder type of reactors has increased significantly. Breeder reactor kya karta hai, 238 ko istemal karta hai, 238 ko zyada milta hai. Ab reaction kaun sa hota hai iske andar, uranium 238 hai, इसको न्यूट्रॉन दिया जाता है, ये नेप्टोनियम में कन्वर्ट होता है, और नेप्टोनियम के में कन्वर्ट होने के बाद बीटा नेगेटिव इमिट होता है, एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है। अब ये नेप्टोनियम जो होता है ना, ये खुद रेडियो एक्टिव है। नेप्टोनियम किस में कन्वर्ट होता है, प्लूटोनियम में, और प्लूटोनियम जो होता है वो फिशन रिएक्शन करता है, ठीक है। इसका रिएक्शन इस तरह से, in this nuclear reaction Pu239 is an alpha emitter with half life of 2.4 × 10⁴, means 238 ko neptunium se aage plutonium mein convert karne ke baad isko reaction ke liye istemal kiya jata hai, jiski half life kitni hai, 2.4 × 10⁴ years, hazaron saal hai iski. It is responsive for undergoing fission by silo neutron, और ये किससे जाता है, सिलो न्यूट्रॉन से रिएक्शन करता है।
In a breeder reactor, some of the neutrons from 2-3 are used to transmit 2-3-8 into 2-3-9. 2-3-5 से लिया जाता है न्यूट्रॉन, जो 2-3-8 को किसमें कन्वर्ट करता है, 2-3-9 में, और फिर रिएक्शन होता है. We see that the breeder reactor does not create a material capable of undergoing fission, but it simply converts the unusable most abundant isotope 238 into fissionable isotope 238 with a very long half life of 2.44 × 10⁴ years. The isotope 239 is also radioactive and can decay into 235 with the emission of alpha particle. 239 se agar alpha niklega to ye 235 mein convert hoga. But due to its long half life, large quantities of 239 can be collected and used for power reactors where it fissions under neutron bombardment with the release of huge amount of energy through the following reaction. Pu239 hai, neutron dete hain, X5 fragments बनती हैं और दो न्यूट्रॉन बनते हैं और 200 MeV एनर्जी निकलती है. Where X and Y are fission products consisting of variety of isotope near the middle of the periodic table. The term breeder is used to signify that starting with a non-fissile abundant 238, we are able to breed fissile 239, which can be used in a reactor to produce almost the same amount of energy as available from the fission of 235. Breeder reactor 238 को 239 में convert करके reaction करता है, ये एक unusable 238 को usable बना लेता है. There are however still some problems of technical nature. कि जाहिर सी बात है, ये पढ़ना आसान है, ये reaction करवाना मुश्किल है. With operating a breeder reactor, which may be resolved in due course of time, another serious problem is that Pu239 is highly toxic and is also potent material for producing fission bomb. Means is atom bomb ban sakta hai. This is of course a matter of great anxiety and concern for the many nations of the world. In fast breeder reactor, beta breeder reactor ke andar aapko मॉडरेटर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रीडर रिएक्टर में आपने 238 को कन्वर्ट करना है 239 में, और ये काम कौन करता है, न्यूट्रॉन करते हैं. तो जो न्यूट्रॉन पैदा होते हैं ना, उनको आप मॉडरेट ना करें, उनको इस्तेमाल करें 238 को कन्वर्ट करने के लिए 239 में. इसलिए इसमें अगर एक टूटता है, दो न्यूट्रॉन बनते हैं, तो दो 238 किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, 239 में. इसमें टूटते कम है, बनते ज्यादा है. In fast breeder reactor, more fissionable material is produced than consumed by the capture of fast neutrons from fertile material. In such reaction, the reactors, the energy of the neutrons should not be lowered to decrease, otherwise the neutron will be absorbed as slow neutrons in the structured material. Thus, use of lighter elements should be avoided in these reactors. Water used as a coolant in thermal reactor is not a suitable coolant in ABR because of its high slowing power. In fast breeder reactors, sodium is widely used as coolant, and reactors so designed are called liquid metal fast breeder reactors. अब इसके बाद इसका डायग्राम है, डायग्राम आपको याद नहीं करना बेटा, अब नेक्स्ट लास्ट पेज पे आ जाएंगे. The benefits of breeder reactor. There is no need of moderator. क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन काम के होते हैं, इनको मॉडरेट करने की जरूरत ही नहीं. सिंस वाटर वुड स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स एंड आल्सो इट विल बी अ सोर्स ऑफ हिंडेंस इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज द कूलेंट एंड हीट ट्रांसफरिंग लिक्विड. एज एन अल्टरनेट, जनरली अ लिक्विड मेटल लाइक सोडियम इज यूज्ड. इसके अंदर सोडियम यूज होता है. Sodium is in the form of solid at room temperature, but it becomes a liquid at 98 degrees Celsius and its boiling point is 892 degrees Celsius. Due to this property of sodium, there is no need to pressurize the earth. Iski boiling point zyada hoti hai, isliye ye vapors ke andar bhi convert nahi hota. Theek hai, to ye chapter aapka complete hai. Iske andar ratta lagana hai aapne. Theek hai, maine ek baar isliye padha hai ki kam se kam aap ek baar padh to le. ठीक है, बाकी इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ज्यादा डीप के अंदर समझाई जा सके. एक बार मैंने आपको पढ़ के सुना दिया.